गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो क्वेरीज हम बाद में लेंगे आज. और चैप्टर टू में कुछ सेक्शंस रह गए हैं, उन्हें आज लेक्चर के एंड में करेंगे. आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, DRP. बेसिकली कंसेप्ट क्यों लाया गया? आपने देखा इंडिया में आज हर फील्ड में फॉरेनर एंटर कर गया है. हर जगह आप देखिए फॉरेन कोलैबोरेशंस हैं. और फॉरेनर कहता है कि हमें जो आपका डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म है वो पसंद नहीं है. इंडिया में क्या होता है, AO एडिशंस करता है, उसके अगेंस्ट अपील करते हैं CIT अपील्स में, फिर अपील करते हैं आप ITAT में, फिर अपील करते हैं हाई कोर्ट में, फिर अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में. और ये प्रोसेस बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, 20 साल लग जाते हैं आपको. तो फॉरनर्स ने कहा कि हम इंडिया बिजनेस करने आ रहे हैं, लिटिगेशन थोड़ी करने आ रहे हैं. एंड देयरफॉर हमारे केस में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई आसान मैकेनिज्म निकालिए. इसलिए गवर्नमेंट लेके आई DRP, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल. ये बेसिकली तीन कमिश्नर्स का एक ग्रुप होता है, CIT 1, 2, 3. सो गवर्नमेंट बड़े सारे DRPs अपॉइंट करती है ऑल ओवर इंडिया. एक पैनल में तीन कमिश्नर्स होते हैं. सो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CIT, इसे बोलते हैं हम कॉलेजियम ऑफ कमिश्नर्स. कॉलेजियम मतलब ग्रुप ऑफ कमिश्नर्स. सो DRP होता है ग्रुप ऑफ थ्री कमिश्नर्स. फॉरेन कंपनी के केस में ये प्रोसीजर लगेगा, या फिर कोई भी असेसी हो जिसके केस में ट्रांसफर प्राइसिंग की एडिशंस हो रही हैं, वहां ये मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा. सो फॉरेन कंपनी के केस में, हर केस में, या फिर कोई और असेसी जिसके केस में ट्रांसफर प्राइसिंग कंडीशंस हो रही हैं, वहां यह मैकेनिज्म फॉलो किया जाए. अगर AO 143(3) का ऑर्डर पास कर रहा है या 147 का ऑर्डर पास कर रहा है, 144 यहां नहीं लिया गया बिकॉज 144 इज बेस्ट जजमेंट, वो तो आपने डिफॉल्ट किया है, सफर करिए. तो AO अगर इनके केस में 143(3) या 147 का ऑर्डर पास करना चाहता है तो वो ऑर्डर पास नहीं कर सकता. AO पहले एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा. AO पहले एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा, फिर ये ऑर्डर दिया जाएगा असेसी को, ड्राफ्ट ऑर्डर. और असेसी जो है अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है टू DRP एंड AO. असेसी फिर अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा टू DRP एंड कॉपी टू AO. DRP असेसी की ऑब्जेक्शन सुनेगा और DRP डायरेक्शन इशू करेगा कि AO ने बोला है कि ABC, AO ने बोला डिसलाओ डिसलाओ डिसलाओ,
डीआरबी कह सकता है ऑल अलाउड, ऑल अलाउड, या डीआरबी यह भी कह सकता है कि सही डिसअलाउड है। सो डीआरबी की, सो डीआरपी की डायरेक्शन आने के बाद एओ अपना ऑर्डर पास करेगा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी। अगर एओ ने कहा ए बी सी डिसअलाउड 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 और डीआरपी कहता है अलाउड, अब एओ अपना फाइनल ऑर्डर पास करेगा 143/147 का, डिडक्शंस आपको अलाउ कर देगा। अमेंडमेंट आई, अब डिपार्टमेंट अपील नहीं कर सकता। मैट्रेंस, तो फॉरेन कंपनी को जस्टिस मिल गया। अब डीआरपी ने जो एओ ने ड्राफ्ट ऑर्डर में डिडक्शंस डिसअलाउ कर दी थी, उनको डीआरपी अलाउ कर देता है अपनी डायरेक्शन से, तो अब एओ को अपने ऑर्डर में, फाइनल ऑर्डर में अलाउ करनी पड़ेगी और लॉ कहेगा अब डिपार्टमेंट आगे अपील नहीं कर सकता, मैटर खत्म, जस्टिस मिल गया फॉरेन कंपनी को। सपोज डीआरपी कहता डिसअलाउड, तो एओ अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगा डिसअलाउिंग द डिडक्शन और अब असेसी अपील कर सकता है किसको, आईटीएटी को, बिकॉज यहां डायरेक्शंस तीन कमिश्नर की हैं, सीआईटीपी से अपील जाएगी नहीं, मोटा मोटा ये है। स्टार्ट करते हैं, इसमें फाइनेंस एक्ट 20 से बहुत चेंजेस आए, फाइनेंस एक्ट 20 से चेंजेस आए। यहां से फॉरेन कंपनी पहले डीआरपी के लिए एलिजिबल थी, इन्होंने अब सारे नॉन रेजिडेंट्स भी कवर कर लिए, सारे नॉन रेजिडेंट्स भी कवर कर लिए हैं, यानी कि पहले से फॉरेन कंपनी के केस में एडिशनल्स होते थे तभी डीआरपी प्रोसेसर लगता था, नॉन रेजिडेंट के केस में नहीं लगता था, नाउ फॉरेन कंपनी एज वेल एज नॉन रेजिडेंट। धीरे धीरे करते हैं, चैप्टर 3 पेज 71, पेज 73 पर आइएगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल मींस अ कॉलेजियम, कॉलेजियम मतलब ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ 3 कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स constituted by the CBDT for this purpose, और बड़े सारे इन्होंने DRP constitute किया इंडिया में, DRP is a collegium of group of 3 commissioners, eligible assessee, eligible assessee कौन होता है, eligible assessee means any person in whose case the variation referred in subsection 1 arises as a consequence of order of TPO passed under 92C(a)(3). कोई भी एसएससी जिसके केस में ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर में टीपीओ ने अपनी आपकी इनकम बढ़ा दी है तो एलिजिबल एसएससी है। दिस कुड बी एनी पर्सन, दिस कुड बी रेजिडेंट आल्सो। नंबर 2, पहले लिखा था एनी फॉरेन कंपनी, फाइनेंस एक्ट 20 ने चेंज किया एनी नॉन रेजिडेंट, Not being a company or a foreign company. So, अब सारे non-residents and foreign companies are eligible for seeking the relief from DRP. Analysis देखिएगा, the concept of DRP has been introduced by the Finance Act 9 to do away with the presently placed system of resolution of dispute which is time consuming and resulting in high demand cases and debt too is attained only after
long round litigation till the Supreme Court. Since the flow of foreign investment in India is extremely sensitive to prolonged uncertainty in tax related matters, therefore, the Income Tax Act was amended to provide for an alternate dispute resolution mechanism which will facilitate expeditious resolution of disputes on a fast track basis. The AO is bound to follow. ऑप्शन नहीं है, बाउंड है कि 143(3) 147 में ऑर्डर पास करेगा तो उसे प्रोसेस फॉलो करना ही करना पड़ेगा. एओ इज बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर. कौन सा प्रोसीजर? फॉरवर्डिंग अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रेफर्ड इन 144(c) फॉर रेफरेंस टू डीआरपी इन द फॉलोइंग टू केसेस. इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट नॉट बींग अ कंपनी और अ फॉरेन कंपनी, यहां कोई भी एडिशन होगी. ओके, इफ ईओ वांट्स टू मेक एनी वेरिएशन व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सच असेसी, देन ही इज बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन 144(c). सो फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट के केस में जरूरी नहीं है कि टीपीओ के ऑर्डर की वजह से वेरिएशन हो रही है. कोई भी वेरिएशन हो, कोई भी डिसअलाउंस करना चाहता है, कोई भी एडिशन करना चाहता है, कुछ भी वेरिएशन करना चाहता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेरिएशन शुड बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ ऑर्डर ऑफ टीपीओ. देयरफॉर इन केस ऑफ सच असेसेस वेदर वेरिएशंस आर ऑन अकाउंट ऑफ ऑर्डर ऑफ टीपीओ और नॉट, एओ इज बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन 144(c) ड्राफ्ट ऑर्डर एटसेट्रा. इन केस ऑफ असेसेस अदर देन दोस कवर इन वन अबव, यहां पर टीपीओ के ऑर्डर से आपकी इनकम बड़ी है तभी आप डीआरपी में जा सकते हैं. द एओ इज बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर ले डाउन इन 144(c) ओनली इफ द वेरिएशंस इन द टोटल इनकम अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ टीपीओ पास्ड अंडर 92(c)(a). If there are no additions on account of order of TPO, then AO cannot follow the procedure laid down in 144(c) if AO makes additions. If AO makes additions on account of order of TPO and some other additions which are not because of order of TPO, then he is bound to follow the procedure laid down in 144(c) for all the additions. क्लियर है? वापस आइए. 144(c) ऑन पेज 71 कंटेन्स द प्रोसीजर बिफोर डीआरपी. द ईओ शेल ओवररूलिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी इन द एक्ट इन द फर्स्ट इंस्टांस क्या करेगा? फॉरवर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड ऑर्डर ऑफ असेसमेंट. दिस इज ऑर्डर अंडर 143(147). हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज ड्राफ्ट ऑर्डर टू द एलिजिबल असेसी इफ ही प्रपोजेस टू मेक एनी वेरिएशन इन द इनकम और लॉस रिटर्न्ड व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द असेसी. तो उसे ड्राफ्ट ऑर्डर बनाना पड़ेगा अगर वो वेरिएशन कराए इन द इनकम और लॉस व्हिच इज प्रेजुडिशियल. प्रेजुडिशियल मींस अगेंस्ट द असेसी, इंटरेस्ट ऑफ द असेसी. फाइनेंस एक्ट 20 ने ये वर्ड्स हटाए. इन द इनकम और लॉस रिटर्न्ड ये हटाए और लिखा कि इफ ही प्रपोजेस टू मेक एनी वेरिएशन व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द असेसी. ये क्यों किया गया सुनिएगा. फॉरेन कंपनी के केस में इनकम टैक्स रेट 40% होता है,
बट रॉयल्टी के केस में अगर फॉरेन कंपनी रॉयल्टी अर्न कर रही है तो टैक्स रेट उस रॉयल्टी पर 10% होता है। सो फॉरेन कंपनी की अदर इनकम्स पर टैक्स रेट इज 40%, बट अगर फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट रॉयल्टी अर्न कर रहे हैं तो रॉयल्टी पे टैक्स सिर्फ 10% लगता है। अब क्या हुआ देखिए, एक फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट इन्होंने रॉयल्टी दिखाई 100 crores रिटर्न में और इस पर टैक्स दिया 10%। ईओ 143(3) में ऑर्डर करता है, वो कहता है जो रॉयल्टी नहीं है, तो ईओ कहता है जो इनकम अर्न किया वो रॉयल्टी नहीं है, वो तो अदर देन रॉयल्टी है और इनकम 100 crore ही है आपकी, पर टैक्स रेट 40% है। अब देखिए रिटर्न इनकम असेस इनकम सेम है, तो कोर्ट्स ने कहा कि ये केस डीआरपी में नहीं जाएगा, बिकॉज लॉ क्या कह रहा था, क्या कह रहा था कि अगर कोई वेरिएशन हो रही है इन द इनकम रिटर्न, ये वो कहते वेरिएशन तो है ही नहीं, इनकम तो 100 थी अभी भी 100 है, ये तो टैक्स रेट चेंज हुआ है, बिकॉज दिस इज नॉट रॉयल्टी। एंड देयरफॉर इन केसेस को कवर करने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट की कि कोई भी वेरिएशन करता है विच इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एलिजिबल असेसी, उसे डीआरपी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पेज 74 पर देखिए, एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट्स मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 20 सेक्शन 144 सी रिलेट्स टू रेफरेंस टू डीआरपी। सेक्शन 144 सी 1 प्रोवाइड्स दैट द ईओ इज रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड ऑर्डर ऑफ असेसमेंट टू द एलिजिबल असेसी इफ ही प्रपोजेस टू मेक एनी वेरिएशन इन द इनकम और लॉस रिटर्न्ड व्हिच इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द असेसी। बट यहां ईओ कहता है जी मैंने तो कोई रिटर्न इनकम असेस इनकम में चेंज ही नहीं किया, इसलिए मैं ड्राफ्ट ऑर्डर नहीं दूंगा। हिदर टू C was not applicable if there was no variation in return income, although variations were made by AO which did not alter the return income। जैसे मैंने example दिया, आपने royalty दिखाई 10% वाली 100 crore, ये वो कहता है 100 crore तो है बट ये royalty नहीं है, ये तो other business income है 40% वाली। In other words, where there is a recharacterization of income रिटर्न बाय द असेसी फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स विदाउट अफेक्टिंग द रिटर्न इनकम प्रायर टू द अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 20 सेक्शन 144C वाज नॉट एप्लीकेबल। आफ्टर द अमेंडमेंट इफ द ईओ रिकरेक्टराइजेस द इनकम देन ही इज बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ 144C इवन इफ रिटर्न इनकम इज नॉट चेंज। एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉरेन कंपनी रिटर्न इनकम 100 crores, कहती है रॉयल्टी है, ये टैक्स लगाती है 10%। ईओ कहता है 143 में कि असेस्ड इनकम इज 100 crores ओनली पर इट्स नॉट रॉयल्टी, टैक्स लगेगा 40% प्लस अ चार्ज प्लस सेस। तो अगर जब अमेंडमेंट नहीं आई थी यहां रिटर्न इनकम में कोई चेंज नहीं है तो एओ वाज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ डीआरपी, नाउ वेरिएशन हो रही है विच इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द असेसी एंड देयरफॉर एओ इज बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर
लेड डाउन अंडर 144C. क्लियर है? हाँ, यहां भी लग जाएगा ना सरचार्ज सेस. सो एक तो ये अमेंडमेंट आई फाइनेंस एक्ट 20 की, पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में कि रिटर्न इनकम असेस इनकम सेम है क्या, फिर भी इस केस डीआरपी को रेफर होगा? यस, टैक्स रेट चेंज कर रहे हो, इनकम की क्लासिफिकेशन चेंज कर रहा है. वो कह रहा है रॉयल्टी नहीं, इट्स नॉट रॉयल्टी. असेस कहते रॉयल्टी, वो कहते इट्स नॉट रॉयल्टी. पेज 74, दूसरी अमेंडमेंट आई. पहले एलिजिबल असेस का मतलब होता था जिसके केस में कोई टीपीओ वाली एडिशन हो रही है या फिर फॉरेन कंपनी. एनआर कवर नहीं थे. द अफोरसेड सब क्लॉज बी हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय फाइनेंस एक्ट 20 टू कवर अ नॉन रेजिडेंट नॉन बिकम कंपनी और अ फॉरेन कंपनी इन द डेफिनेशन ऑफ एलिजिबल असेस. दस ऑल ऑर्डर्स ऑफ ऑल नॉन रेजिडेंट्स विद अ प्रेजुडिशियल वेरिएशन विल बी सब्जेक्ट टू डीआरपी प्रोसीजर अंडर 144C. Prior to the amendment, in case of non-resident individual, non-resident partnership firm, non-resident AOP BOI, the AO was not required to follow the procedure laid on in 144C except in cases where variations were made on account of order of TPO. Now, after the amendment, the AO was bound to follow the procedure laid on in 144C in case of NR individual, partnership firms, AOP BOI, if any variation is proposed by the AO. वापस आइए. क्लियर है ये सब? अब एओ ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा. और देखिए, ड्राफ्ट ऑर्डर जो टाइम लिमिट होता है ऑर्डर पास करने का 143(3) में 9 मंथ्स, उसमें ही बनाएगा. 147 का हम पढ़ेंगे टाइम लिमिट होता है ऑर्डर पास करने का, वो होता है बता देता हूं सबको 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 इज सर्व. छोड़ दीजिए उसे. बट ईओ को ड्राफ्ट ऑर्डर बनाना होता है जितने टाइम में उसे नॉर्मल ऑर्डर बनाना होता है उसमें ही बनाना होता है. जैसे 143(3) का ऑर्डर बनाता है वो टाइम होता है 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, उसमें ही बनाएगा. अभी देखेंगे प्लीज, आगे चलिए. और ये ड्राफ्ट ऑर्डर असेसी को भेजा जाएगा. On receipt of the draft order, the eligible assessee shall within 30 days of receipt by him of the draft order, assessee, जब ये draft order receive कर लेगा, उसके 30 days में क्या करेगा? File his acceptance of variations to the AO. AO को बोल सकता है कि जी मैं agree कर रहा हूं आपसे, additions बिल्कुल ठीक है, कर दीजिए. और ऑब्जेक्शन फाइल करेगा. किस किस को? डीआरपी को एंड टू द एओ. फाइल इज ऑब्जेक्शन इफ एनी टू सच वेरिएशन विद द डीआरपी एंड विद द एओ. तो विद इन 30 डेज असेसी या तो एक्सेप्टेंस दे देगा कि यस ठीक है प्लीज गो अहेड, या फिर ऑब्जेक्शन फाइल कर देगा. और अगर असेसी ने एक्सेप्टेंस दे दी, अब ईओ अपना ऑर्डर पास कर देगा. द ईओ शैल कंप्लीट द असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर. बताइए किस केस में अगर असेसी एक्सेप्टेंस दे देता है या फिर असेसी कोई जवाब ही नहीं देता, ना एक्सेप्टेंस देता ना ही ऑब्जेक्शन फाइल करता, फिर एओ अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगा. ड्राफ्ट ऑर्डर को ही फाइनल ऑर्डर की तरह पास कर देगा. और देखिए यहां पर जो हमने टाइम लिमिट पढ़ी थी ना 9 महीने की, वो नहीं लगेगी. अभी देखते हैं. मैंने कहा ड्राफ्ट ऑर्डर जो बनाएगा वो तो आपको जो टाइम लिमिट होती है 9 मंथ्स की 143(3) ऑर्डर पास करने की, उसमें ही बना के देता है. सो पॉइंट 2 था जहां असेसी या तो एक्सेप्टेंस दे देगा
ड्राफ्ट ऑर्डर की या फिर ऑब्जेक्शन फाइल करेगा डीआरपी के पास एंड ईओ के पास कि मैं ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा हूं। सब सेक्शन 3 कहेगा कि अगर असेसी ने एक्सेप्टेंस दे दी है या फिर कोई जवाब नहीं दिया, ना एक्सेप्टेंस दी ना रिजेक्शन दी, तो ईओ अब अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगा, ड्राफ्ट ऑर्डर को ही कार्ड के ऊपर लिख देगा फाइनल ऑर्डर। द ईओ शैल कंप्लीट द असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर इफ असेसी इंटीमेट्स टू द ईओ द एक्सेप्टेंस ऑफ द वेरिएशन या फिर नो ऑब्जेक्शन आर रिसीव बाय हिम विद इन 30 डेज पीरियड जो ऊपर दिया है। अब ईओ जो फाइनल ऑर्डर पास करेगा उस पर जो 9 महीने की टाइम लिमिट है वो नहीं लगेगी, जो हमने पढ़ा था ना 143 ऑर्डर मस्ट बी पास विद इन 9 मंथ्स, वो नहीं लगेगी। पॉइंट 4 ये बात क्लैरिफाई कर, द ईओ शैल नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 153 होता है टाइम लिमिट्स फॉर पासिंग द असेसमेंट ऑर्डर, जो हमने पढ़ा था ना 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर 143 ऑर्डर पास होना चाहिए, वो 153 में लिखा हुआ है। ये कह रहे हम उन टाइम लिमिट्स को ओवरूल कर देते हैं। पास द असेसमेंट ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड या फिर द पीरियड ऑफ फाइलिंग द ऑब्जेक्शंस अंडर सबसेक्शन 2 एक्सपायर्स। एक मिनट रखिए, असेसमेंट 21-22 फॉरेन कंपनी ड्राफ्ट ऑर्डर अंडर 143 फॉरवर्डेड ऑन 1-7-12-22 रिसीव एस एस सी एट द सेम डे 1-12-22 By 31-12-22, assessee has to file objections within 30 days of the receipt of the objections, sorry, draft order, assessee has to file cross objections. Assessee does not file cross objections objections not cross cross objections by 31-12-22 या फिर assessee accepts draft order on 29-12-22 अब AO को दोनों केस में 143-3 फाइनल ऑर्डर कब तक पास करना पड़ेगा, टू बी पास्ड बाय 31 January 23 आप कहेंगे
143(3) के ऑर्डर को पास करने टाइम लिमिट होती है 9 मंथ्स। सबसेक्शन 4 देखिए क्या कह रहा है, द ईओ शैल नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 153, जो टाइम लिमिट्स हैं असेसमेंट के उनको हम ओवरूल कर देते हैं, पास द असेसमेंट ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड और द पीरियड ऑफ फाइलिंग द ऑब्जेक्शन एक्सपायर्स। तो इस पर आपको एमसीक्यू दे देते हैं कि कब तक ईओ अपना फाइनल ऑर्डर पास करे। 5 इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ डीआरपी डायरेक्शन देगा कि एओ ये आपने गलत डिसलाव किया अलाउ करिए, ये गलत डिसलाव किया अलाउ करिए, ये सही अलाउ किया है आगे चलिए। तो डीआरपी डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्शन दी जाती है सबसेक्शन 5 में। डीआरपी बड़ी क्लियर डायरेक्शंस देगा, ये एडिशन गलत है हटाइए, ये एडिशन सही है आगे चलिए। ये नहीं कह सकता कि इसको दोबारा देख लीजिएगा, ये नहीं कह सकता ये मेटल और मंगा लीजिए और फिर चेक करके अपना ऑर्डर पास कर दीजिएगा। नो, बड़ा क्लियर डायरेक्शन, यस अलाउड डिसअलाउड। The dispute resolution panel shall, in case where any objection is received under subsection 2, issue such directions as it think fit for the guidance of AO to enable him to complete the assessment. ये directions होंगी DRP की, ये allowance सही है, disallowance गलत है, इस तरह से। The DRP, so directions subsection 5 में आती हैं। The DRP shall issue the directions referred in subsection 5 after considering all the following material, namely draft assessment order dekhega, objections filed by the assessor dekhega, evidence furnished by the assessor dekhega, report if any of the AO, valuation officer, TPO or any other authority, records relating to draft order, evidence collected or cost be collected by DRP. So DRP खुद भी evidence collect कर सकती है या cost be collected, AO को बोल सकती है ये हमें evidence collect करके दीजिए इसके बारे में, result of any inquiry made or cost be made by it, inquiries करके अपने result दे सकती है। So DRP अपनी डायरेक्शन इशू करते वक्त फॉलोइंग थिंग्स को कंसिडर करेगी, क्या क्या, ड्राफ्ट ऑर्डर, ऑब्जेक्शंस ऑफ असेसी, जो एविडेंस असेसी ने फर्निश किया, जो रिपोर्ट एओ की है, वैल्यूएशन ऑफिसर की है, टीपीओ की है, रिकॉर्ड्स जो एओ के पास है ड्राफ्ट ऑर्डर वाले, एविडेंस खुद भी डीआरपी कलेक्ट कर सकती है या फिर ईओ को बोल सकती है हमें एविडेंस कलेक्ट करके दीजिए, इंक्वायरी खुद भी कर सकती है और ईओ से कह सकती है हमें इंक्वायरी करके दीजिए। 7 डीआरपी में बिफोर इशूइंग एनी डायरेक्शंस रेफर टू इन सबसेक्शन 5 मेक सच फर्दर इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट। तो उसको लगता है डीआरपी को कि ईओ ने ये एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया बट इंक्वायरी प्रॉपर नहीं की है, तो अब डीआरपी एओ से ये नहीं कह सकते अब दोबारा से इंक्वायरी करके इसे डिसाइड करिए अलाउड है या डिसअलाउड है, डीआरपी खुद इंक्वायरीज करेगी या फिर ईओ को बोलेगी हमें इस मैटर पर ये इंक्वायरी करके दीजिए और उसकी रिपोर्ट हमें दीजिए ताकि हम डिसाइड कर सके कि एक्सपेंस अलाउड है डिसअलाउड है। द डीआरपी में Before issuing any directions referred in subsection 5, make such further inquiry as it thinks fit. खुद भी इंक्वायरी कर सकती है
कॉज एनी फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ द सेम टू इट। ईओ ने एक एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया है, सेइंग कि जेन्युइन एक्सपेंस नहीं था। अब डीआरपी देखती है कि ईओ ने सपोज ये एक्सपेंस पे हुआ था टू मैसेस एबीसी, असेसी ने ये पेमेंट की थी एबीसी को, ईओ ने जेन्युइन कहा नहीं है और कोई बेसिस नहीं दिया। अब डीआरपी कह सकते कि प्लीज चेक करके बताइए कि क्या असेसी इस तरह के एक्सपेंसेस और भी करता है या नहीं, क्या ये एक्सपेंसेस बाय चेक हुए हैं, क्या इस पार्टी ने इसको इनकम दिखाया हुआ है। ये सब खुद डीआरपी इंक्वायरी कर सकती है या एओ से कह सकती है हमें इंक्वायरी करके दीजिए। डीआरपी ये नहीं कह सकती एओ से कि हम आपको कह रहे हैं कि ये देखकर फिर डिसाइड कर लीजिएगा कि अलाउड है डिसअलाउड है। डीआरपी बड़ा कॉन्क्रीट डायरेक्शन देगी अलाउड डिसअलाउड। सेवन कहता है डीआरपी खुद इंक्वायरी कर सकती है, इंक्वायरी करवा सकती है एओ से। एट डीआरपी मे कंफर्म, जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उसे कंफर्म कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, रिड्यूस एडिशंस डिलीट कर सकती है और एनहेंस द वेरिएशंस। क्या डीआरपी खुद डिसअलाउंस कर सकती है? यस। क्या खुद कुछ रिसीट्स और असेसी ने इनकम नहीं दिखाई थी, एओ ने भी इनकम नहीं मानी, क्या उनको इनकम मान सकती है? यस, बट असेसी को सुनने का मौका देंगे उससे पहले, प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस। द डीआरपी में कंफर्म, रिड्यूस, एनहेंस द वेरिएशंस, एनहेंस भी कर सकते, प्रपोज इन द ड्राफ्ट ऑर्डर, सो हाउएवर क्या नहीं कर सकती, इट शैल नॉट सेट असाइड एनी प्रपोज वेरिएशन और इशू एनी डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 5 फॉर फर्दर इंक्वायरी इन पासिंग द असेसमेंट ऑर्डर। वो ये नहीं कर सकते हम ये जो डिसअलाउंस किया एओ ने, हम एओ से कह रहे कि फर्दर इंक्वायरी करें और फिर डिसाइड करें कि अलाउड है डिसअलाउड है। बड़ा कॉन्क्रीट ऑर्डर डायरेक्शन देगी अलाउड डिसअलाउड या फिर हम ये ऐड कर रहे हैं बस। एट द डीआरपी मे कंफर्म, जो एओ ने एडिशंस की उनको कंफर्म कर सकती है, रिड्यूस डिलीट कर सकती है और एनहेंस द वेरिएशंस प्रपोज इन द ड्राफ्ट ऑर्डर, सो हाउएवर इट शैल नॉट सेट असाइड एनी प्रपोज वेरिएशन और इशू एनी डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 5 फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड पासिंग द असेसमेंट ऑर्डर। डीआरपी एडिशन कर सकती है, उन मैटर को भी ऐड कर सकती है जो एओ ने नहीं देखे थे, एक्सप्लेनेशन में इन्होंने प्रोवाइड किया। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय डिक्लेयर दैट पावर ऑफ डीआरपी टू एनहेंस द वेरिएशन शैल इंक्लूड एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड टू हैव इंक्लूडेड द पावर टू कंसिडर एनी मैटर arising out of the assessment proceedings relating to the draft order, notwithstanding that such matter was not raised or such matter was raised or not raised by the eligible assessee. To koi matter jo assessee ne raise nahi bhi kiya us par bhi increase kar sakti hai. For example, koi receipt hai, assessee ne capital receipt dikhai hai, AO ne dispute nahi kiya, बट डीआरपी कहती है ये रिसीट, ये तो सब्सिडी है, ये तो बिजनेस इनकम बननी चाहिए, इसलिए हम ऐड करें बिजनेस इनकम। हम डायरेक्शन देते हैं दैट दिस रिसीट विच हैज बीन शोन एज कैप रिसीट नॉट टैक्सेबल शुड बी एडेड एज बिजनेस इनकम। क्लियर है?
ओके डीआरपी में तीन सीआईटीज होते हैं, एक एक्सपेंस एओ ने डिसअलाउ किया है, ये कहता है अलाउ, ये कहता है अलाउ, ये कहता है डिसअलाउ, तो मेजॉरिटी प्रिवेल करेगी। अगर तीनों कहते हैं अलाउ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, अलाउ कर देंगे, डायरेक्शन देंगे अलाउड। अगर आपस में कोई वो हो रहा है डिसएग्रीमेंट देन मेजॉरिटी विल प्रिवेल, मेजॉरिटी इज ऑलवेज टू हेयर। नाइन, इफ द मेंबर्स ऑफ डीआरपी डिफर इन ओपिनियन ऑन एनी पॉइंट द पॉइंट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द कमिश्नर्स। अब जो डीआरपी ऑर्डर पास कर देगी दैट शैल बी बाइंडिंग ऑन द असेसिंग ऑफिसर। ड्राफ्ट ऑर्डर में एओ ने डिसअलाउ कर दिया, डीआरपी ने डायरेक्शन दी 144C5 में अलाउ, फाइनल ऑर्डर में एओ को अलाउ करना ही करना पड़ेगा। और अमेंडमेंट आई कि अब डिपार्टमेंट इसके अगेंस्ट अपील में नहीं जा सकता, पहले जा सकता था। अमेंडमेंट लेके अरुण जेटली 2016 में कि अगर डीआरपी ने अलाउ कह दिया है एओ को अलाउ करना पड़ेगा, और अब डिपार्टमेंट आगे अपील में नहीं जाएगा, जस्टिस डन फॉर एवर फॉर द एसएससी। ड्राफ्ट ऑर्डर कहता है डिसअलाउ, डीआरपी कहता है डिसअलाउ, फाइनल ऑर्डर में डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शंस के अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती, जो डीआरपी की डायरेक्शंस हैं मैंने बताया था आपको, उसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती। तो यहां पर एओ ऑर्डर पास करेगा फॉलोइंग द डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी डिसअलाउ कर देगा, असेसी कैन नाउ फाइल एन अपील टू आईटीएट। अभी देखते हैं बातें। पॉइंट 10 हमने कर लिया, एवरी डायरेक्शन इशूड बाय द डीआरपी शैल बी बाइंडिंग ऑन द असेसिंग ऑफिसर। No direction under subsection 5 shall be issued unless an opportunity of being heard is given to the assessee and to the AO on such directions which are prejudicial to the interest of the assessee or the interest of revenue respectively. Yani agar DRP assessee ke against direction issue kar raha hai, AO ne disallow kiya, DRP bhi kare disallowed hai, to assessee ko sunne ka mauka dega. उल्टा केस, एओ ने डिसअलाउ कर दिया, डीआरपी अलाउ कर रहा है, तो एओ को सुनने का मौका दिया जाएगा डीआरपी द्वारा। सो नो डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 5 शैल बी पास शैल बी इशूड अनलेस एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड इज गिवन टू द असेसी एंड द एओ ऑन सच डायरेक्शंस व्हिच आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द असेसी और द रेवेन्यू एज द केस में भी। अगर डीआरपी असेसी के अगेंस्ट डिसाइड कर रहा है तो असेसी को सुनने का मौका देगा, एओ के अगेंस्ट डिसाइड कर रहा है एओ को सुनने का मौका देगा। टाइम बाउंड प्रोसेस है, डीआरपी को अपना डायरेक्शन इश्यू करनी पड़ेगी 9 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जब डायरेक्शंस फॉरवर्ड की गई थी असेसी को। पॉइंट 12, नो डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 5 शैल बी इशूड आफ्टर 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ड्राफ्ट ऑर्डर इज फॉरवर्डेड टू द एलिजिबल असेसी।
अब डायरेक्शंस आ गए, डायरेक्शंस आ गई। बताइए अब ईओ अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगा? यस, ईओ अपना फाइनल ऑर्डर पास करेगा 143(3) वाला या 147 वाला जो भी ड्राफ्ट ऑर्डर था। क्या ईओ को बहुत टाइम लगेगा? नो, 5 मिनट लगेंगे। उसके ड्राफ्ट ऑर्डर में अगर उसे कुछ डिसअलाउ किया, डीआरपी ने कहा अलाउ है, तो वो अलाउ कर देगा। सिर्फ डीआरपी के डायरेक्शन से तो इनकॉर्पोरेट करनी है, अलाउड अगर अलाउड है तो अलाउ कर देगा, डिसअलाउड डिसअलाउ है तो डिसअलाउ रहेगा। थर्टी, अपॉन रिसीट ऑफ डायरेक्शंस इशूड अंडर सबसेक्शन 5, द ईओ शैल इन कंफर्मिटी विद द डायरेक्शंस कंप्लीट नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्री कंटेन इन सेक्शन 153 बी काट दीजिए, 153 बी फाइनेंस एक्ट 21 से डिलीट हो गया, सर्च वाला कुछ होता था ये। सो अपॉन रिसीट ऑफ डायरेक्शंस इशूड अंडर सबसेक्शन 5, द ईओ शैल इन कंफर्मिटी विद द डायरेक्शंस कंप्लीट नॉट विद स्टैंडिंग द टाइम लिमिट्स ऑफ 153, जो नॉमिनी टाइम लिमिट होती है 143 वो सब ओवर हो जाएंगी। ईओ असेसमेंट कंप्लीट करेगा विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू द असेसी विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डायरेक्शन इज रिसीव। क्या डायरेक्शन के अगेंस्ट आप अपील कर नहीं सकते? रिट पिटीशन जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर डायरेक्शन आपके फेवर में आ गई फिर तो बात ही खत्म, डिपार्टमेंट आगे अपील ही नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट आपकी डायरेक्शन आपके अगेंस्ट आ गई तो आप अपील कर सकते हैं टू द ITAT। एक मिनट देखिएगा, पेज 74, फर्दर अमेंडमेंट्स आई, 246 ये होता है अपील टू CIT अपील्स, 253 होता है अपील टू ITAT। इन सेक्शंस को अमेंड किया गया। अगर EU ने ऑर्डर पास किया है 143(3), 147 का ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ DRP, तो अपील CITPs को नहीं जाएगी, किसको जाएगी? ITAT को, अगर डायरेक्शन असेसी के अगेंस्ट है। सेक्शन 246A CITPs, 253 ITAT हैव बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट वेयर एन ऑर्डर हैज बीन पास बाय द EU अंडर 143(3), 147 इन पर्सन ऑफ डायरेक्शन ऑफ DRP और 154 पास, the appeal by the assessee against such order of EO will lie to the ITAT instead of CITPs. As per the Finance Act 16, most important, the department cannot challenge the directions of DRP. The department is bound by directions of DRP. Ek minute likhiye. Draft order. EO disallows 1 crore. Direction of DRP allows 1 crore. Final order of EO he'll allow 1 crore. Department cannot file appeal. Department appeal नहीं file कर सकता। अपील चैप्टर में देखेंगे।
ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ एओ ₹10,01,00,000, डायरेक्शन ऑफ डीआरपी ₹10,01,00,000, फाइनल ऑर्डर ऑफ एओ ₹10,01,00,000, असेसी कैन अपील टू आईटीटी, क्लियर है। आइएगा P72 सबसेक्शन 14 तो नॉर्मल है कि बोर्ड रूल्स बनाएगा फॉर फंक्शनिंग ऑफ डीआरपी, बन चुके हैं ये। 14 हम बाद में करेंगे बट इंपॉर्टेंट है। इंडिया में गार आ गया है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। अगर गार आपके केस में लग जाता है, वहां एओ को ऑर्डर पास करना था कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर के अप्रूवल लेकर, तो अगर गार आपको लग रहा है तो डीआरपी में नहीं जा सकते आप। अगर गार आपको लग रहा है तो डीआरपी में नहीं जा सकते, फॉरेन कंपनी में नहीं जा सकती, नॉन रेजिडेंट में नहीं जा सकता। 14A द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई टू एनी असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑर्डर पास बाय द एओ विद अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर अंडर द चैप्टर ऑफ गार। तो जहां चैप्टर ऑफ गार लग जाएगा वहां यह प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ डीआरपी शैल नॉट बी फॉलोड इफ गार अप्लाइज। गार करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में। ये कुछ जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इसको भी फेसलेस करने के रूल बनाएगी। गवर्नमेंट इसको भी फेसलेस करने के रूल बनाएगी। अब देखिए एग्जामिनर्स कितनी डेप्थ में जाते हैं। जो आपका जुलाई 2021 में एग्जाम हुआ वहां एक क्वेश्चन आया कि एओ ने ड्राफ्ट ऑर्डर बना दिया है, एओ ने ड्राफ्ट ऑर्डर बना दिया है, असेसी कहता है जी मैं तो सीआईटीपी में जाना चाहता हूं, क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए एग्जामिनर आपकी थॉरो नॉलेज टेस्ट करता है। यहां क्या आंसर होगा आपका? ऑल्दो ये मेरे मॉड्यूल में पहले से था, मैं जो इतना डेप्थ में कराता हूं आप लोगों को इसलिए कराता हूं कि एग्जामिनर कभी भी कुछ भी पूछ जाएगा। अभी दिखाता हूं, ऐसा नहीं मैंने इस बार चेंज किया मॉड्यूल, पिछले 10 साल से देखिए मेरे मॉड्यूल में यही चैप्टर है, ये सब कुछ लिखा अभी दिखाने जा रहा हूं आपको। अगर आप डीआरपी प्रोसीजर नहीं फॉलो करना चाहते, आप नॉर्मल सीआईटीपी के पास जाना चाहते, क्या करिए? ड्राफ्ट ऑर्डर को एक्सेप्टेंस दे दीजिए या फिर ऑब्जेक्शंस मत फाइल करिए। अगर आपने ड्राफ्ट ऑर्डर को एक्सेप्टेंस दे दी तो एओ फाइनल ऑर्डर पास कर देगा, नाउ अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ पास फाइल इन अपील टू सीआईटीपी। या फिर एक्सेप्टेंस मत दीजिए, चुप रहिए, ना एक्सेप्टेंस दीजिए ना ऑब्जेक्शन दीजिए, चुपचाप बैठे रहिए। और बेटर एक्सेप्टेंस मत नहीं दें, बिकॉज एक्सेप्टेंस दे दी तो सीआईटीपी कहेगा कि आपने तो एक्सेप्ट कर लिया था भाई। तो बेस्ट है अगर आप
डीआरपी रूट नहीं फॉलो करना चाहते, क्या करिए, जो ड्राफ्ट ऑर्डर आया है उस पर ऑब्जेक्शन फाइल ही मत करिए। टाइम निकल जाएगा 30 दिन का, एओ वन मंथ के अंदर फाइनल ऑर्डर पास कर देगा, दैट फाइनल ऑर्डर इज पास बाय एओ, यू कैन अपील टू द सीआईटी अपील्स। पेज 74 एट द टॉप, हाउएवर एज पर सीबीडीटी क्लैरिफिकेशन, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द असेसी टू फाइल ऑब्जेक्शंस विद डीआरपी अगेंस्ट द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ऑफ द एओ, द असेसी कैन चूज टू फाइल एन अपील बिफोर द सीआईटीपी अगेंस्ट द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इंस्टेड ऑफ filing the objections with DRP against the draft order of AO. So simply do not file any objections to the AO against the draft order. AO apna final order pass kar dega, and against that final order you can appeal before the CIT appeals. This is clarified by CBDT. Isme dekhiye aur kuch bacha hai. पेज 74 आप पढ़ेंगे, 131 हम करेंगे एक दो क्लास में, शायद नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे। 131 हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड द डीआरपी शैल हैव द पावर्स विच आर वेस्टेड इन कोर्ट, ये हम 131 में करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। सो क्या होता है, वन थर्टी वन में एक समन होता है, वो समन देकर इनकम टैक्स वाले आपसे आपकी किताबें मंगा सकते हैं, आपसे कह सकते हैं इधर आ जाइए हमारे पास पर्सनली आइए, आपको कह सकते हैं भगवान की कसम लेकर, भगवत गीता की कसम लेकर स्टेटमेंट दीजिए, वो सारी पावर्स डीआरपी को दे दी हमने 131 वाली। इसे हम 131 में कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, या उसे नेक्स्ट क्लास में जब भी करेंगे, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। 131 has been amended to provide that DRP shall have the same powers as are vested in court under the CPC. DRP may impound, retain in its custody books of accounts, documents, etc., etc. ये मैं आपको next lecture में करा दूंगा। So this is all about DRP. This is all about DRP. Come to page 76, faceless assessment. So, ये इंडिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। आज तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैसिव करप्शन थी, असेसिंग ऑफिसर के पास जाते थे, आपसे वो ब्राइब मांगता था, उल्टे सीधे इश्यूज निकालता था, और अब इन्होंने असेसमेंट फेसलेस कर दी है, यानी ना आप एओ से मिलेंगे ना ही एओ आपसे मिलेगा, आपको यह भी पता नहीं होगा कि आपका एओ कौन है, आपको यह भी पता नहीं होगा कि एओ आपका कहां बैठा है, चेन्नई में बैठा है, मुंबई में बैठा है। बहुत ही बढ़िया स्कीम निकाली है इन्होंने, इसके प्रोविजंस कंटेन है 144B में। So, एक नया सेक्शन लाया गया 144B विच कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ फेसलेस असेसमेंट। मैंने इस चैप्टर में इस सेक्शन को सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, और अगर आप इस सेक्शन का बेयर एक्ट से टेक्स्ट देखना चाहते हैं, दैट इज गिवन एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। तो अब जितनी भी असेसमेंट्स होंगी 143(3) में और 144 में, दे विल बी फेसलेस। इनफैक्ट इन्होंने कहा 1421 से फेसलेस होंगी, बट हमने देखा जुलाई 20 से असेसमेंट फेसलेस ही हो रही है। सो इसको एडमिनिस्टर करने के लिए एक नेशनल बॉडी है, एक बॉडी है टॉप पर
जिसका नाम है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। दिस इज द सेंट्रलाइज्ड बॉडी, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, जिसे हम एब्रिविएट करते हैं नेफेक। दिस इज द सेंट्रलाइज्ड बॉडी। वेरियस रीजन्स में रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, ये रीजनल सेंटर्स हैं। और कितने सेंटर्स बनाए गए हैं किसी को पता ही नहीं है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दे हैव मेड अराउंड 15 रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। सो बेसिकली नाफाक नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एक सेंट्रलाइज बॉडी है, उसके अंडर वेरियस रीजन्स में बनाए गए रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर्स। रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर्स में यूनिट्स होते हैं, असेसमेंट यूनिट्स, वेरिफिकेशन यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट्स एंड रिव्यू यूनिट्स। सो रीजनल सेंटर में देयर आर लॉट मैनी असेसमेंट यूनिट्स, लॉट मैनी वेरिफिकेशन यूनिट्स, लॉट मैनी टेक्निकल यूनिट्स एंड लॉट मैनी रिव्यू यूनिट्स। सो बेसिकली देखिए स्ट्रक्चर है, नाफाक टॉप पर है, इसके अंडर बड़े सारे रीजनल सेंटर्स हैं। लाइट और हर रीजनल सेंटर में असेसमेंट यूनिट्स हैं, वेरिफिकेशन यूनिट्स हैं, टेक्निकल यूनिट्स हैं और रिव्यू यूनिट्स हैं। असेसी से जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगी वो सिर्फ ये ही करेगा, इनमें से कोई भी असेसी से कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर सकता। सो असेसी से जो कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, अगर ये करना चाहता है इसके थ्रू करेगा, खुद नहीं कर सकता। इसी तरह अगर असेसी इससे कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहता है, डायरेक्टली नहीं कर सकता असेसी, इसके थ्रू ही करेगा। यानी ना तो असेसमेंट यूनिट्स, वेरिफिकेशन यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट्स, रिव्यू यूनिट्स, ये डायरेक्टली असेसी से बात नहीं कर सकते, बात तो होगी नहीं, सब कुछ ईमेल के थ्रू होगा। सो ये कॉरेस्पॉन्ड भी असेसी से डायरेक्टली नहीं कर सकते, they have to do through the centralized body NAFAC। और असेसी को भी कुछ कहना होगा, इनको डायरेक्टली नहीं कह सकता, it'll be through NAFAC। जो असेसमेंट ऑर्डर पास होगा वो नेशनलाइज्ड नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ही पास करेगा। So final assessment order shall be made by National Faceless Assessment Center। ये लोग तो सिर्फ draft order बना के देंगे, अभी देखेंगे as we go in the scheme, ये सिर्फ draft order बना के देंगे, finalize order को नाफाक करेगा। Assessment units तो हर regional फेसलेस असेसमेंट सेंटर में असेसमेंट यूनिट्स हैं, बड़े सारे वेरिफिकेशन यूनिट्स हैं, बड़े सारे टेक्निकल यूनिट्स हैं और बड़े सारे रिव्यू यूनिट्स हैं। क्या क्या काम है इनके? असेसमेंट यूनिट्स आइडेंटिफिकेशन करेगा ऑफ पॉइंट्स और इश्यूज, कि कौन से पॉइंट्स पर हमें असेसी से इंफॉर्मेशन चाहिए,
किन पॉइंट्स पर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। सी करेगा इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन, और जब असेसी क्लैरिफिकेशन दे देगा उसको एनालाइज करेगा असेसमेंट यूनिट, और ये असेस्ट करेगा इन असेसमेंट, बेसिकली ये ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ असेसमेंट बना के देगा। वेरिफिकेशन यूनिट्स, अगर असेसमेंट यूनिट जानना चाहता है कि असेसी ने एक्स एन कंपनी से 1 करोड़ की परचेज की थी, अगर असेसी ने एक्स एन कंपनी से 1 करोड़ की परचेज की थी, असेसमेंट यूनिट वेरीफाई करना चाहता है, तो ये वेरिफिकेशंस वेरिफिकेशन यूनिट करेंगे। इंक्वायरी एंड सो वेरिफिकेशन यूनिट के फंक्शन क्या है? इंक्वायरीज करना, क्रॉस वेरिफिकेशन करना, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड विटनेसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, अदर फंक्शंस एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस। तो किसी ने आपको लोन दिया हुआ है, उस लोन की जेन्युइननेस को वेरीफाई करना है, वो वेरिफिकेशन यूनिट वेरीफाई करेगा। जिसने लोन दिया है उसकी अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, वेरिफिकेशन यूनिट करेगा। अगर कोई विटनेस को एग्जामिन करना है, दैट बी डन बाय द वेरिफिकेशन यूनिट। टेक्निकल यूनिट्स, ये जैसे कि वैल्यूएशन करवानी है, असेस ने दिखाया कि मैंने फैक्ट्री 1 करोड़ की बनाई है, अब ये वैल्यूएशन करवा के देखना चाहते हैं कि वाकई में क्या 1 करोड़ की बनी है, या फिर असेस ने अपना ब्लैक मनी लगाया हुआ है 4 करोड़ रुपए का और फैक्ट्री 5 करोड़ की बनी है। अब काम आ जाएगा टेक्निकल यूनिट्स का। कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए वो ये यूनिट देगा, एडवाइस ऑन लीगल, अकाउंटिंग, फॉरेंसिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैल्यूएशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डाटा एनालिसिस, मैनेजमेंट एंड अदर टेक्निकल मैटर्स पे हेल्प करेगा टेक्निकल यूनिट। रिव्यू यूनिट, जो ड्राफ्ट ऑर्डर बन जाएगा हम देखेंगे, उसका रिव्यू कराया जाएगा। रिव्यू ऑफ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर करेगा रिव्यू यूनिट, चेकिंग वेदर द रेलेवेंट एंड मेटीरियल एविडेंस इज ऑन रिकॉर्ड, रेलेवेंट पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ आर ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड, एप्लीकेबल जुडिशियल डिसीजंस हैव बीन प्रॉपरली कंसिडर्ड एंड अदर फंक्शंस नेसेसरी फॉर रिव्यू पर्पसेस। तो एओ ने, सॉरी नॉट एओ, अब तो एओ चला गया, असेसमेंट यूनिट, असेसमेंट यूनिट ने कुछ डिसअलाउंस प्रपोज किया है अपने ड्राफ्ट ऑर्डर में, रिव्यू करेगा कि क्या ये डिसअलाउंस कन्फर्मिटी में है विद वेरियस जजमेंट्स जो आई हुई हैं। सो एक आपको फील आ गया व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फेसलेस असेसमेंट यूनिट्स। एक मिनट आइएगा, पेज 81 पर आइएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि असेसमेंट यूनिट्स, इनफैक्ट जो नाफाक है वहां इन्होंने रखे हैं बड़े सीनियर चीफ कमिश्नर्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एसीज, डीसीज, जो भी हाईएस्ट इंटीग्रिटी के थे वो सारे यहां पर बेस कर दिए गए हैं। सो नाफाक में एक कंपोजिशन होता है चीफ सीआईटीज, प्रिंसिपल चीफ सीआईटीज, सीआईटीज और प्रिंसिपल सीआईटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये सब हायर ऑफिसर्स यहां बैठते हैं। यहां पर ईओस भी होते हैं, एडिशनल कमिश्नर्स, जॉइंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, पूरी एक टीम होती है विच इज आई थिंक रनिंग इनटू 1000 पीपल, मोर देन 1000 पीपल। पेज 81 पर देखिएगा,
की टेकअवेज। असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट, रिव्यू यूनिट शैल हैव द फॉलोइंग अथॉरिटीज। उसमें एडिशनल कमिश्नर्स होंगे, एडिशनल डायरेक्टर होंगे, जॉइंट कमिश्नर्स होंगे, जॉइंट डायरेक्टर्स होंगे, डिप्टी कमिश्नर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ITOs एंड अदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द बोर्ड। वापस आ चाहिए। पेज 77, अगर AO ने नोटिस इशू नहीं किया है स्क्रूटनी का तो नाफाक ये नोटिस इशू करेगी। टाइम पीरियड क्या है? वही 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज फाइल्ड, जो 143(2) में पढ़ा था आपने। वे आर नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) नॉट इशूड बाय द AO ने इशू नहीं किया है। नाफाक जो है ये सर्व करेगी नोटिस ऑन द असेसी अंडर 143(2) और असेसी अपना रिस्पॉन्स फाइल करेगा नाफाक को विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस। रिस्पॉन्स में सिर्फ इतना लिखेगा कि यस मुझे नोटिस मिल गया है, और अगर नोटिस टाइम बार्ड है तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि नोटिस इज टाइम बार्ड। सो रिस्पॉन्स में सिर्फ आपको यह देना है कि यस आई एम इन रिसीट ऑफ द नोटिस। जहां इस स्कीम के आने से पहले आपको AO नोटिस इशू कर चुका है, तो देखिए अब 1421 से इस दिन से जो भी असेसमेंट होगी इल बी फेसलेस। ऑल दो मैंने बताया आपको इन्होंने जुलाई 20 से ही असेसमेंट फेसलेस कर दी थी। वे आर नोटिस अंडर 143(2) और शो कॉज नोटिस अंडर 144 हैज ऑलरेडी बीन इशूड बाय द AO। तो अगर पहले ही स्कीम के आने से पहले नोटिस इशू हो चुका है, इफ द असेसी हैज फाइल्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 और इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस अंडर 142(1) एंड नोटिस अंडर 143(2) इज इशूड, असेसमेंट 143 में की जाएगी, या फिर AO ने 144 का शो का सर्व कर दिया था तो असेसमेंट 144 में की जाएगी। नाफाक इंटीमेट करेगा असेसी को कि हम आपकी असेसमेंट कंप्लीट करेंगे अंडर 144(b) इन फेसलेस मैनर। तो देखिए अगर नाफाक ही नोटिस इशू कर रहा है फिर तो नाफाक ही असेसमेंट करेगी, बट जहां AO नोटिस इशू कर चुका है तो सिर्फ नाफाक असेसी को इंटीमेट करेगी कि वो नोटिस वैलिड है आपका और अब हम आपकी असेसमेंट करेंगे इन द फेसलेस मैनर। नाफाक क्या करेगी? आपका केस जो है असाइन करेगी किसी भी असेसमेंट यूनिट को इन वन ऑफ द रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। सो अब नाफाक किसी भी रीजनल सेंटर में किसी भी असेसमेंट यूनिट को आपका केस असाइन कर देगी और नाफाक में जो ऑफिसर बैठे हुए हैं ये केस मैनुअली असाइन नहीं कर सकते। तो देखिए इन्होंने मैनुअल ह्यूमन इंटरवेंशन हर जगह हटा दी है। असाइन कैसे होगा? एक ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू अलॉट होगा। सो एक ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम है जहां सॉफ्टवेयर किसी भी रीजनल फेसमेंट असेसमेंट सेंटर को चूज कर सकता है, उसमें से किसी भी असेसमेंट यूनिट को चूज कर सकता है कि आपका केस ये करेगा। तो आप दिल्ली में हैं तो हो सकता है आपका केस
असेसमेंट यूनिट इन रीजनल सेंटर इन चेन्नई चला जाए और ये एलोकेशन करेंगे असेसमेंट यूनिट को इन द रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, नॉट मैनुअली बट थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम, यानी सॉफ्टवेयर एलोकेशन करेगा। असेसमेंट यूनिट, अब असेसमेंट यूनिट को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने बताया ना तो असेसमेंट यूनिट डायरेक्टली असेसी से कॉन्टैक्ट करेगा, कॉरेस्पॉन्ड करेगा, इट विल कॉरेस्पॉन्ड थ्रू नाफा। असेसी भी जो सबमिशंस देगा वो यहां पर नहीं आएंगे डायरेक्ट, नाफाक में आएंगे, नाफाक फॉरवर्ड करेगा टू असेसमेंट यूनिट। अब असेसमेंट यूनिट रिक्वेस्ट भेजेगा नाफाक को कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए फ्रॉम असेसी और फ्रॉम सम अदर पर्सन। सम अदर पर्सन को भी जिससे असेसी ने लोन लिया है उसकी कंफर्मेशन चाहिए हमें। तो अगर असेसमेंट यूनिट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, एविडेंस चाहिए असेसी से या फिर क्रेडिटर से, डेटर से, सो असेसमेंट यूनिट रिक्वेस्ट भेजेगा नाफाक को फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस फ्रॉम द असेसी और एनी अदर पर्सन एज इट मे स्पेसिफाई डेटर्स क्रेडिटर्स कंफर्मेशन। सो अब असेसमेंट यूनिट ने नाफाक को बोला, नाफाक असेसी को लिखेगा, नाफाक टू इशू नोटिस टू द असेसी और अदर पर्सन डेटर क्रेडिटर फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एविडेंस टू बी सबमिटेड टू द नाफाक विद इन द टाइम गिवन इन द नोटिस। सो असेसी अपनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स कंफर्मेशन देगा नाफाक को और नाफाक फिर क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा टू द असेसमेंट यूनिट। Assessee will send information, documents, evidence to NAFAC within the time prescribed or time extended on request of the assessee by NAFAC. So, जो time आपको मिला था by NAFAC, from NAFAC to submit the document, उसे आप extend करा सकते हैं by making an application for extension to NAFAC. अब असेसी इंफॉर्मेशन भेजेगा नफाक को, नफाक क्या करेगा, नफाक जो है इंफॉर्मेशन भेज देगा टू द असेसमेंट यूनिट। तो अब देखिए इन चार्ट्स में मैंने बहुत मेहनत की है, अगर आप सेक्शन से पढ़ेंगे बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, क्लियर है। अब असेसमेंट यूनिट को कुछ वेरिफिकेशंस करानी है, असेसमेंट यूनिट को लगता है कि कुछ परचेसेस बोगस हैं, असेसी ने 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है उसको वेरीफाई करवाना चाहता है असेसमेंट यूनिट, कुछ और इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करवाना चाहता है, तो असेसमेंट यूनिट नाफाक को बोलेगा फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी और वेरिफिकेशन बाय वेरिफिकेशन यूनिट ऑन सर्टेन मैटर्स। सो असेसमेंट यूनिट, तो देखिए ये आपस में भी कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर सकते। अच्छा अब देखिए रीजनल मेरा असेसमेंट सेंटर है चेन्नई में, एक रीजनल असेसमेंट सेंटर है मान लीजिए मुंबई में, तो क्या यह पॉसिबल है कि आपके जो असेसमेंट यूनिट है वो चेन्नई वाला हो और जो वेरिफिकेशन यूनिट हो मुंबई वाला है? पॉसिबल है, पॉसिबल है।
और इनफैक्ट ऐसा ही होगा। सो असेसमेंट यूनिट नाफा को बोलेगा कि हमें इंक्वायरी कंडक्ट करवानी है, वेरिफिकेशन यूनिट करानी है बाय द वेरिफिकेशन यूनिट ऑन सर्टेन मैटर्स। अब नाफा क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट असाइन कर देगा वेरिफिकेशन यूनिट को, कहां पर, इन एनी ऑफ द, नॉट द सेम रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, टू अ वेरिफिकेशन यूनिट इन एनी वन रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर थ्रू AAS। AAS इज व्हाट, ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। तो ऐसा ही होगा कि आपका असेसमेंट यूनिट चेन्नई वाला होगा और वेरिफिकेशन यूनिट होगा आपका मुंबई वाला। अब वेरिफिकेशन यूनिट वेरिफिकेशन करेगा और वेरिफिकेशन करके अपनी रिपोर्ट किसको भेजेगा, नाफाक को, और नाफाक इंटर्न भेजेगी असेसमेंट यूनिट को। इसी तरह अगर असेसमेंट यूनिट को कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, किसी इशू पर लीगल इंटरप्रिटेशन चाहिए, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवानी है, फेयर मार्केट वैल्यू निकलवानी है, तो असेसमेंट यूनिट रिक्वेस्ट भेजेगा नाफाक को कि हमें टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए फ्रॉम एनी टेक्निकल यूनिट। और नाफाक फिर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को असाइन कर देगा टू टेक्निकल यूनिट, एंड दिस टेक्निकल यूनिट कुड बी इन असम इन एनी वन रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। अब वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और अपनी रिपोर्ट भेजेंगे नाफाक को, और नाफाक फिर भेजेगा टू द असेसमेंट यूनिट। सो नाफाक टू सेंड, नाफाक इज द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, टू सेंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम द वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट टू द असेसमेंट यूनिट। नाफाक टू सेंड डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन एविडेंस रिसीव फ्रॉम द असेसी टू द असेसमेंट यूनिट। आई होप क्लियर है आप लोग। नेक्स्ट पेज, इफ द असेसी फेल्स टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन एविडेंस आस्क्ड बाय नाफाक और फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस अंडर 142(1) और फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर डायरेक्शन अंडर 142(2)A। तो देखिए, जो हमने पिछले दो लेक्चर में पढ़ा था कि AO ये काम करेगा, ये सारा काम अब नाफाक करेगी। स्पेशल ऑडिट कुड बी ऑर्डर्ड बाय नाफाक। तो ये देखिए 144 के डिफॉल्ट से कि आपने 143(2) में इंफॉर्मेशन मांगी गई, आपने कंप्लाई नहीं किया। 142(1) का नोटिस दिया गया, आपने कंप्लाई नहीं किया। ऑडिट डायरेक्शन दिया, आपने कंप्लाई नहीं किया। अब नाफाक असेसी पे सर्व करेगी 144 का शो कॉज कि बताइए हम आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्यों ना करें। असेसी रिस्पॉन्स इज रिसीव बाय नाफाक विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड इज अलाउड। इफ असेसी रिस्पॉन्स इज सेटिस्फैक्ट्री देन 144 शैल नॉट बी डन। If reply is not satisfactory, NAFAC will intimate the assessment unit that please go ahead and make a best judgment assessment, a draft order. अगर assessee का response नहीं receive होता within the prescribed time or the extended time, NAFAC जो है intimate करेगी इस failure को assessment unit को और उससे कहेगी कि please go ahead and make a best judgment assessment order का draft।
तो उसे ये काट दीजिए आप, 147 ओब्लिक 143 147 ओब्लिक 140 वो काट दीजिए, क्योंकि 147 के लिए ये अलग से स्कीम लेके आएंगे फेसलेस की। आप जो पॉइंट 3 जो हमने किया था, जहां असेसी ने इंफॉर्मेशन दी, टेक्निकल यूनिट्स ने अपना इनपुट दिया, वेरिफिकेशन यूनिट्स अपना इनपुट दिया, और पॉइंट 4 में जो नाफाक ने मेटल गैदर किया उसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल गैदर्ड इन पॉइंट 3 और 4, असेसमेंट यूनिट क्या बनाएगा? ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) और 144। इन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर असेसमेंट यूनिट मे असेप द इनकम एज रिटर्न्ड। तो यह जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ाई ही जाए, जो आपने इनकम दिखाई उसे असेप भी कर सकते हैं, और मेक वेरिएशंस और कंप्यूट इनकम टू द बेस्ट ऑफ जजमेंट इन केस ऑफ वॉयलेशंस हैव टेकन प्लेस अंडर 144। और ड्राफ्ट ऑर्डर जो है इल बी सेंड बाय द असेसमेंट यूनिट नॉट टू द असेसी बट टू नाफाक। इन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर द असेसमेंट यूनिट विल ऑल्सो मैंशन द डिटेल्स ऑफ पेनल्टी और पेनल्टीज टू बी इनिशिएट। हम बहुत जल्दी 7-8 लेक्चर बाद पेनल्टीज का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां देखेंगे आपकी एक पेनल्टी होती है 270A में। पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। इस पेनल्टी को इनिशिएट करना होता है बिफोर कंप्लीटिंग द असेसमेंट, और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो असेसमेंट यूनिट है ड्राफ्ट ऑर्डर में लिखेगा कि कौन कौन सी पेनल्टी इनिशिएट की जानी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पेज। नाफाक जो है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को एग्जामिन करेगा। मैंने बताया नाफाक में इन्होंने बड़े सीनियर चीफ कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स, जॉइंट कमिश्नर्स बैठाए हुए हैं, मोर देन 1000 ऑफिसर्स हैं, वो नाफाक की बैकबोन है। नाफाक विल एग्जामिन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी स्पेसिफाइड बाय CBDT इंक्लूडिंग थ्रू ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल्स। सो डिपार्टमेंट ने एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। कि कौन से केसेस को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, जहां पर ह्यूज कैश डिपॉजिट्स होते हैं, ह्यूज कैश विड्रॉवल्स होते हैं, ये इनकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में आ जाता है कि ये केसेस को बहुत ध्यान से देखिए। जहां फॉरेन पैसा जा रहा है, फॉरेन में एसेट्स खरीदे जा रहे हैं, वहां रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कहती है कि इन केसेस में चांसेस हैं हाई डिग्री ऑफ टैक्स इवेशन के। तो अब जो ड्राफ्ट ऑर्डर है इसको नाफाक एग्जामिन करेगा इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी स्पेसिफाइड बाय द CBDT इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल्स। इनके कुछ ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल्स भी है जो बताते हैं ये केस हाईली वल्नरेबल है, वल्नरेबल मींस रिस्की है, इसमें इवेजन के चांसेस ज्यादा है।
सपोज आपने रिटर्न इनकम दिखाई 10 करोड़ और असेसमेंट यूनिट ने भी कहा 10 करोड़ इनकम है आपकी, कोई वेरिएशन नहीं की, तो क्या नाफाक इसे एक्सेप्ट कर लेगा? यस, एक्सेप्ट कर लेगा, बट बाइंडिंग नहीं है नाफाक पे कि इसे एक्सेप्ट करे ही करे। नाफाक को लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से ये केस रिव्यू होना चाहिए, तो देखिए वो रिव्यू यूनिट को भेज सकते हैं। इफ नो वेरिएशंस इज और आर प्रपोज बाय द असेसमेंट यूनिट इन द रिटर्न इनकम, आपने 10 करोड़ इनकम दिखाई, असेसमेंट यूनिट ने भी 10 करोड़ मान ली, अब दो चीजें होंगी, या तो नफा कहेगी बिल्कुल ठीक है जी, ईमानदार असेसी है, केस रूटी में लग गया तो गुनाह थोड़ी है। सो नफा जो है असेसमेंट को फाइनलाइज कर देगी ड्राफ्ट ऑर्डर के बेसिस पर और सर्व करेगी असेसी पर अ कॉपी ऑफ द फाइनल ऑर्डर नोटिस फॉर इनिशियलिंग पेनल्टी इफ एनी एंड डिमांड नोटिस या कोई रिफंड है तो दे दिया जाएगा। या फिर अगर आपने 10 करोड़ इनकम दिखाई थी, असेसमेंट यूनिट ने भी 10 करोड़ असेस की इन ड्राफ्ट ऑर्डर, बट ये देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से ये असेसी ने 10-15 करोड़ का कैश विड्रॉवल किया और 10-15 करोड़ का कैश डिपॉजिट किया, या फिर इसके फॉरेन में एसेट्स 15-20 करोड़ के ऑल द रिटर्न में डिस्टोर्स हैं, तो ये चाहे तो इसे भेज सकते हैं टू रिव्यू यूनिट और रिव्यू यूनिट को केस असाइन करेगा नाफाक और दिस रिव्यू यूनिट कुड बी बेस्ड इन गोवा, कुड बी बेस्ड इन बेंगलोर। नाफाक विल असाइन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर टू अ रिव्यू यूनिट इन एनी वन ऑफ द रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम फॉर कंडक्टिंग द रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर। अगर रिव्यू यूनिट कहता है जी बिल्कुल सही है 10 करोड़, असेसमेंट यूनिट ने कहा 10 करोड़, रिटर्न इनकम 10 करोड़, असेसमेंट यूनिट से 10 करोड़, रिव्यू यूनिट से 10 करोड़, बिल्कुल ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर रिव्यू यूनिट भी कहता है कि हम एग्री करते हैं ड्राफ्ट ऑर्डर से, फिर मैंने एरो बताई हुई है, ये होगा नाफाक अपना ऑर्डर बना देगी फाइनल, कोई पेनल्टी इनिशिएट करनी है वो कर देगी और डिमांड नोटिस अगर है दे देगी, रिफंड है दे देगी, क्लियर है? आपने इनकम दिखाई 10 करोड़, असेसमेंट यूनिट कहता है जी हम 5 करोड़ की एडिशन करना करेंगे, यानी ड्राफ्ट ऑर्डर में असेसमेंट यूनिट 5 करोड़ एडिशन कर देता है। ए वेरिएशन इज और आर प्रपोज बाय द असेसमेंट यूनिट इन द रिटर्न इनकम, 10 करोड़ की इनकम है, असेसमेंट यूनिट ने 15 करोड़ कर दी। मान लीजिए 5 करोड़ इसलिए ऐड किए गए कि आपने एक डिडक्शन क्लेम की थी 5 करोड़ की जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से डिसअलाउड है और टेक्निकल यूनिट ने भी बोला है यस सुप्रीम कोर्ट कह रहा है डिसअलाउड है, तो अब नाफा क्या कर सकता है? या तो केस रिव्यू यूनिट को भेज देगा
या फिर असेसी को एक अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड दी जाएगी कि बताइए हम ये एडिशन क्यों ना करें। जो मैंने केस बताया जहां 10 करोड़ की इनकम दिखाई थी, असेसमेंट यूनिट ने 5 करोड़ डिसअलाउ कर दिए बिकॉज आपने डिडक्शन क्लेम की थी जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से डिसअलाउड है, टेक्निकल यूनिट भी कह रहा डिसअलाउड है, फिर तो रिव्यू की जरूरत ही नहीं है, असेसी को शो कॉज दे देंगे बताइए हम ये एडिशन क्यों ना करें। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं कि कोई भी एडिशन करने से पहले असेसी को सुनने का मौका दीजिए। सो नाफा क्या कर सकता है, आइदर इट विल असाइन द ड्राफ्ट ऑर्डर टू द रिव्यू यूनिट इन एनी ऑफ द रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर थ्रू AS, या फिर असेसी को दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इफ प्रपोज वेरिएशन इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द असेसी। इसको भी आगे कैरी करेंगे। इसको नेक्स्ट पेज पे कैरी करेंगे। अभी अगर 5 करोड़ की जो एडिशन की गई है, नाफाक देखता है कि उस पर दो व्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, इन द सेंस कोई क्लियर कट नहीं है, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन असेसी को डिसअलाउ कर दी गई, सेइंग दैट कि असेसी एलिजिबल नहीं है, तो यहां पर केस नाफाक भेज देगा टू द रिव्यू यूनिट। रिव्यू यूनिट या तो कहेगा कि हम एग्री करते हैं विद द असेसमेंट यूनिट, या फिर रिव्यू यूनिट कहेगा कि हम कुछ वेरिएशंस प्रपोज करें ड्राफ्ट ऑर्डर में, एडिशन 5 करोड़ की नहीं 3 करोड़ की होनी चाहिए थी। आप देखिए रिव्यू यूनिट ने वेरिएशन सजेस्ट कर दी है। अब ये लोग क्या करेंगे, यानी असेसमेंट यूनिट रिव्यू यूनिट में कुछ डिफरेंसेस आ गए, नाफाक विल असाइन द केस टू एन असेसमेंट यूनिट इन अदर देन द असेसमेंट यूनिट विच मेड द ड्राफ्ट ऑर्डर थ्रू AS। अब किसी और असेसमेंट यूनिट को ये केस असाइन कर दिया जाएगा उसके व्यूज के लिए, और न्यू असेसमेंट यूनिट आफ्टर कंसिडरिंग द सजेशंस ऑफ द रिव्यू यूनिट विल सेंड द फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर टू नाफाक। और अगर वेरिएशंस हैं, अब असेसी को फाइनल शोकॉज देंगे कि बताइए हम क्यों ना करें, और अगर वेरिएशंस डिलीट हो गई तो नाफाक अपना ऑर्डर पास कर देगा। एक मिनट, सपोज पहला केस देखिए, रिटर्न इनकम है 10 करोड़, असेस्ड इनकम भी 10 करोड़ है, फिर तो नाफाक जो है असेसमेंट यूनिट के ऑर्डर को मान सकता है और फाइनल ऑर्डर पास कर देगा सेइंग दैट इनकम इज 10 करोड़, या फिर रिव्यू यूनिट को भेज सकता है कि इसको रिव्यू करिए। अगर रिव्यू यूनिट कहता है कि इनकम 10 करोड़ ही होनी चाहिए, फिर और फर्दर क्वेश्चन रिक्वायर्ड, नाफाक अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगा असेसिंग द इनकम एट 10 करोड़। बट अगर रिव्यू यूनिट कहता है कि इनकम 10 नहीं 12 होनी चाहिए, फिर अब केस को भेजेंगे किसी और असेसमेंट यूनिट के पास, और उस असेसमेंट यूनिट के सजेशंस को नाफाक कंसिडर करेगा
सॉरी न्यू सेशन यूनिट रिव्यू यूनिट के सजेशंस को देखेगा और फिर अपना डिसीजन देगा कि हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। इसी को पहले कैरी कर लेते हैं, पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसको नहीं लेते अभी। रिटर्न इनकम 10 करोड़, असेस इनकम 10 करोड़ एज पर असेसमेंट यूनिट। अगर नाफा कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, हमें कोई इंक्वायरी नहीं करनी, नाफाक अपना ऑर्डर पास कर देगा, 10 करोड़ की इनकम दिखा देगा। नाफा को लगता है यार यूनिट ने काम सही नहीं किया, एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इस केस को दोबारा देखा जाना चाहिए, तो नाफाक इस केस को भेज देगा रिव्यू यूनिट को। अगर रिव्यू यूनिट कहता है इनकम 10 करोड़ होनी चाहिए, फिर तो नाफाक 10 करोड़ पे फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। बट रिव्यू यूनिट कहते हैं इनकम 15 होनी चाहिए, फिर नाफाक अब कहेगा कि सिंस असेसमेंट यूनिट और रिव्यू यूनिट में झगड़ा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वी सेंड द केस टू अनदर असेसमेंट यूनिट। और न्यू असेसमेंट यूनिट देखेगा जो ओरिजिनल असेसमेंट यूनिट है उसने क्या किया, रिव्यू यूनिट ने क्या किया। अगर न्यू असेसमेंट यूनिट कहता है कि इनकम 10 करोड़ ही होनी चाहिए, इफ नो वेरिएशंस प्रपोज इन द रिटर्न इनकम, फिर तो नफाक 10 करोड़ पर असेस कर देगा। और अगर असेसमेंट यूनिट कहता है जी इनकम 15 करोड़ ही होनी चाहिए या 14 करोड़ होनी चाहिए, अब असेसी को शो कॉज भेजेंगे हम कि तेरी 143 में इनकम हम 15 करोड़ 14 करोड़ क्यों ना असेस करें। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर दूंगा, अगर असेसमेंट यूनिट कहता है इनकम 15 करोड़ होनी चाहिए, फिर दो तरीके हैं, या तो असेसी को शो कॉज दे देंगे, अगर क्लियर कट 5 करोड़ का डिस्लाउंस बनता है बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, फिर तो रिव्यू कराने की जरूरत नहीं है, असेसी को शो कॉज दे देंगे, या फिर अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन का इशू है तो रिव्यू यूनिट को केस असाइन कर देंगे। अगर रिव्यू यूनिट कहता है जी इनकम 10 करोड़ होनी चाहिए, रिव्यू यूनिट विल इंडिपेंड ऑफ आग नो सॉरी सॉरी अगर रिव्यू यूनिट कहता है कि इनकम 15 करोड़ होनी चाहिए, फिर नाफाक जो है, एक मिनट असेसमेंट यूनिट 15 का, ये भी 15 कह रहा है, ये भी 15 कह रहा है, फिर तो दो यूनिट कॉन्कर कर गए। अब नीचे आ जाएंगे, वेरिएशंस प्रपोज्ड है रिटर्न इनकम में, असेसी को सुनने का मौका देंगे कि बताइए हम 5 करोड़ क्यों ना ऐड करें। सो अगर असेसमेंट यूनिट 15 करा, दो तरीके हैं, या तो असेसी को शोकस दे देंगे कि बताइए हम रिएक्शन क्यों ना करें, या फिर रिव्यू यूनिट को भेज देंगे। अगर रिव्यू यूनिट भी कहता 15 करोड़ इनकम होनी चाहिए, फिर वेरिएशंस प्रपोज्ड है रिटर्न इनकम में, असेसी को शोकस दे देंगे कि बताइए हम 143 में एडिशन 5 करोड़ की क्यों ना करें। बट अगर रिव्यू यूनिट कहता है कि 15 करोड़ नहीं 17 करोड़ होनी चाहिए या फिर 12 करोड़ होनी चाहिए, यानी असेसमेंट यूनिट रिव्यू यूनिट में फर्क आ रहा है, अब केस किसी दूसरे असेसमेंट यूनिट को असाइन किया जाएगा थ्रू एएस, और जो नया असेसमेंट यूनिट है बताएगा कि सही इनकम क्या है।
अगर वो इनकम कहता है 10 करोड़ है, फिर तो 10 करोड़ पे असेस कर देंगे विदाउट गिविंग असेसिंग अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ट। बट अगर वो कहता है 10 से ऊपर ही है, 12 है 13 है 14 है 15 है 16 है, फिर आप असेसी को शो कॉज दे देंगे कि बताइए हम 143 में एडिशन क्यों ना करें। रिपीट कर लेते हैं एक बार, घबराइए मत, कुछ भी अनक्लियर नहीं रहेगा आपको। तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है मेरा एट द टॉप, उसके अंदर बड़े सारे रीजनल फेसलेस असेसमेंट यूनिट्स हैं। रीजनल फेसलेस असेसमेंट यूनिट्स में असेसमेंट यूनिट्स हैं, टेक्निकल यूनिट्स हैं, वेरिफिकेशन यूनिट्स हैं और रिव्यू यूनिट्स हैं। अगर आपको 143-2 नहीं दिया गया था एओ द्वारा, तो नाफाक आपको 143-2 देगा, और जब भी 143-2 मिल जाएगा आपको, उसके 15 डेज के अंदर रिस्पांस फाइल करेंगे नफाक को आप कि यस मुझे नोटिस मिल गया है, नोटिस वैलिड है। और जहां ऑलरेडी एओ 143-2 या 144 का शो कॉज इशू कर चुका है, तो नाफाक असेसी को इंटीमेट करेगी कि अब आपकी असेसमेंट एओ नहीं, हम करेंगे। नाफाक जो है आपका केस को असाइन कर देगा किसी भी असेसमेंट यूनिट को थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। सो नाफाक ने केस असाइन कर दिया असेसमेंट यूनिट को, असेसमेंट यूनिट को इंफॉर्मेशन चाहिए, वो नाफाक को लिखेगा कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, नाफाक लिखेगा असेसी को कि इंफॉर्मेशन दीजिए इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। नाफाक इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकता है, और अगर असेसी इंफॉर्मेशन दे देता है इन द टाइम पीरियड गिवन और द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, तो ये इंफॉर्मेशन असेसी भेजेगा नाफाक को, नाफाक भेजेगी असेसमेंट यूनिट को। अगर असेसमेंट यूनिट को कोई इंक्वायरीज करवानी है, तो असेसमेंट यूनिट रिक्वेस्ट भेजेगा नाफाक को, नाफाक केस असाइन करेगी किसी भी वेरिफिकेशन यूनिट्स को इन एनी ऑफ द रीजनल असेसमेंट सेंटर। और वेरिफिकेशन यूनिट अपनी वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट भेजेगा नाफाक को, नाफाक भेजेगी किसको, असेसमेंट यूनिट को। इसी तरह से असेसमेंट यूनिट को कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, तो वो असेसमेंट यूनिट नाफाक को बोलेगा मुझे टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, नाफाक केस असाइन कर देगी किसी भी टेक्निकल यूनिट इन एनी ऑफ द रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। टेक्निकल यूनिट अपना टेक्निकल इनपुट देगा और ये रिपोर्ट भेजेगा किसको, नाफाक को, और नाफाक जो है ये भेज देगी टू असेसमेंट यूनिट। क्लियर है ये बातें? अगर 144 का कोई डिफॉल्ट होता है, एओ ने 144 शो कॉज नहीं इशू किया था, तो अब नाफाक आपको 144 शो कॉज इशू कर देगी। अगर असेसी का रिस्पांस आ जाता है, रिस्पांस सेटिस्फैक्टरी है, 144 ड्रॉप कर दिया जाता है। असेसी का रिस्पांस नहीं आता या रिस्पांस सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो नाफाक असेसमेंट यूनिट को बोलेगी प्लीज गो अहेड एंड मेक द ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब असेसमेंट यूनिट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा अंडर 143-144 और ये भेजेगा टू द नाफाक, और ड्राफ्ट ऑर्डर में असेसमेंट यूनिट ये भी लिखेगा कि पेनल्टी इनिशिएट कौन सी होनी चाहिए और क्या क्वांटम, कितना अमाउंट वगैरह है। अब यहां चाहिए पहला केस, देखिए पहला केस, एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। रिटर्न इनकम 10 करोड़, असेसमेंट यूनिट 10 करोड़ निकालता है, ठीक है,
अब नाफा क्या कर सकती है, फाइनल ऑर्डर पास कर सकती है 10 करोड़ के बेसिस पर, या फिर नाफाक अगर उसे लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से कुछ गड़बड़ है, असेसमेंट यूनिट ने काम प्रॉपरली नहीं किया, रिव्यू यूनिट को भेज देगी। रिव्यू यूनिट अगर देखता है इनकम 10 करोड़ ये है, रिव्यू यूनिट फिर तो कुछ इन्वेस्टिगेशन और नहीं चाहिए, आप नाफाक जो है फाइनल ऑर्डर पास कर देगी 10 करोड़ का। बट अगर रिव्यू यूनिट कहता है कि इनकम 15 करोड़ होनी चाहिए, यानी असेसमेंट यूनिट ने काम सही से नहीं किया शायद, तो इस केस को नाफाक भेजेगी न्यू असेसमेंट यूनिट को। दिस न्यू असेसमेंट यूनिट will be in some other regional faceless assessment center. New unit कहता है कि income 10 करोड़ है, या फिर कहता है 11 करोड़ या 15 करोड़। यहां तो नाफाक फाइनल ऑर्डर पास कर देगी 10 करोड़ का, यहां पर असेसी को शो कॉज दे देंगे कि हम एडिशन क्यों ना करें। So I think this is more clear. Return income 10 crore, assessment unit भी 10 crore निकाली, नाफाक 10 crore का final order pass कर सकती है, या फिर नाफाक किसी दूसरे review unit को भेज सकती है। दूसरा review unit भी कहता है, sorry review unit कहता है कि income 10 crore की है, फिर तो बात खत्म। अब नाफाक final order 10 crore का pass कर देगी। बट अगर रिव्यू यूनिट कहता है जी इनकम फर्क है 15 करोड़ है, फिर नाफाक इस केस को असाइन करेगी न्यू असेसमेंट यूनिट को इन सम अदर रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। और अगर न्यू यूनिट कहता है कि 10 करोड़ है, फिर नाफाक फाइनल ऑर्डर पास कर देगी 10 करोड़ का। बट न्यू यूनिट कहता है कि 11 करोड़ या 15 करोड़, अब असेसी को शो कॉज दे देंगे कि भैया तेरे केस में 1 करोड़ या 5 करोड़ की एडिशन क्यों ना करें। ये देखिए, नाफाक विल एग्जामिन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क पेज 79, इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी स्पेसिफाइड बाय सीबीडीटी इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड ऑटोमेशन टूल्स। If no variations are proposed by assessment unit in the return income, ये वाला केस, तो नाफा क्या कर सकती है, आपका ऑर्डर फाइनलाइज कर देगी 10 करोड़ पर, कॉपी भेज देगी फाइनल ऑर्डर की अलॉन्ग विद डिमांड नोटिस, रिफंड पेनल्टी वगैरह कोई है तो, ये वाला। या फिर नाफा जो है केस असाइन कर देगी किसी रिव्यू यूनिट को इन एनी ऑफ द रीजनल असेसमेंट सेंटर, ये वाला। आप ये रीजनल सेंटर कहते हैं इनकम 10 करोड़ ही है,
रिव्यू यूनिट विल इंटीमेट टू नफाक कि हम एग्री कर रहे हैं विद द ड्राफ्ट ऑर्डर, फिर तो दस करोड़ नफाक फाइनल ऑर्डर दस करोड़ का पास कर देगी। अगर रिव्यू यूनिट कहता है जी इनकम फर्क है, रिव्यू यूनिट टू सजेस्ट वेरिएशंस इन द ड्राफ्ट ऑर्डर, फिर अब नफाक जो है केस असाइन करेगी किसी और असेसमेंट यूनिट को इन अदर रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। उस न्यू यूनिट की रिपोर्ट आएगी कि क्या है इनकम। अगर वो कहता है कि इनकम 10 करोड़ ही है, नीचे देखिए नो वेरिएशन प्रपोज इन द रिटर्न इनकम, 10 करोड़ ही कह रहा है, फिर तो नफाक फाइनल ऑर्डर पास कर देगी 10 करोड़। बट अगर न्यू यूनिट कहता है कि इनकम 11 या 15 है, अब फर्दर हम सिर्फ असेसी को शो कॉज देंगे कि हम ये एडिशन क्यों ना करें। आई होप इससे बेटर क्लैरिटी नहीं आ सकती आपको। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट है रिटर्न इनकम है 10 करोड़, असेसमेंट यूनिट कहता है जी इनकम 15 करोड़ है। अब नफा क्या करेगी, या आइदर असेसी को शोकॉस दे देगी कि हम एडिशन क्यों ना करें, या फिर रिव्यू यूनिट को भेज देगी। अगर रिव्यू यूनिट कहता है चलिए ब्रेक की बात कर लेते हैं। वीजी लर्निंग डेस्टिनेशन विद कंटेंट पार्टनर पैकर प्रेजेंट्स द सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोग्राम CMA। बी अ पार्ट ऑफ द चेंज, लाइव ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, कॉन्टैक्ट CMA@VGLDI.com। हु डजंट वांट टू गिव विंग्स टू देयर करियर बट ओनली इफ दे आर अक्रॉस द ग्लोब। ACCA is a trusted qualification for skilled professionals. With no aggregation, no grouping, and with exams every quarter, ACCA ensures faster progression in your career. Now, here's the silver lining. You may gain exemptions in ACCA on the basis of your present qualification and an exclusive scholarship from VG Learning. Please start the class. So, अगर रिटर्न इनकम 10 करोड़ है, असेसमेंट यूनिट भी 10 करोड़ कहता है, तो दो ऑप्शन है, नफाक फाइनल ऑर्डर पास कर देगी या फिर रिव्यू यूनिट को भेज देगी। रिव्यू यूनिट अगर कहता है 10 करोड़ ही है, तो नफाक फाइनल ऑर्डर पास कर देगी 10 करोड़ का। अगर रिव्यू यूनिट कहता है जी 15 करोड़ है, तो नफाक एक नए यूनिट को भेजेगी, और नया यूनिट अगर कहता है 10 करोड़ है, तो नफाक 10 करोड़ का ऑर्डर पास कर देगी फाइनल। और अगर नया यूनिट कहता है कि 11 करोड़ या 15 करोड़ है, तो असेसी को शो कॉज दे देंगे कि बताइए अब एडिशन क्यों ना करें। लिखिए आगे, रिटर्न इनकम 10 करोड़ है, असेसमेंट यूनिट ने कहा इनकम 15 करोड़ है। अब नफाक दो चीज कर सकती है, शो कॉज दे सकती है असेसी को कि बताइए हम 15 करोड़ क्यों ऐड करें, या फिर रिव्यू यूनिट को भेज सकती है। रिव्यू यूनिट भी अगर बोलता है 15 करोड़, रिव्यू यूनिट बोलता है 10 करोड़, अगर रिव्यू यूनिट भी 15 करोड़ बोल रहा है, तो असेसी को आप शो कॉज दे देंगे कि बताइए हम 5 करोड़ के एडिशन क्यों ना करें। अगर रिव्यू यूनिट बोल रहा है 10 करोड़, यानी फर्क आ रहा है, तो नफाक जो है केस को न्यू असेसमेंट यूनिट को रेफर कर देगी।
और नया सस्पेंड यूनिट अगर बोलता है कि 10 करोड़ या 15 करोड़, अगर 10 करोड़ बोलता है तो नाफाक फाइन ऑर्डर पास कर दे 10 करोड़ का। और अगर ये भी बोलता 15 करोड़ तो असेसी को शो कॉज दे देंगे। अब आप पॉइंट 6 पढ़ेंगे पेज 79 पर, अटमोस्ट क्लैरिटी आ जाएगी आपको। So variations proposed are, no variations are proposed by the assessment unit, तो नाफाक या तो order pass कर देगी final या review unit को भेज देगी। review unit भी कहता है कि 10 करोड़ है तो आपको final order 10 करोड़ का दे देंगे। अगर review unit बोलता है 15 करोड़ है तो another assessment unit, other assessment unit अगर बोलता है 10 करोड़ है तो final कर देंगे 10 करोड़ पर, अगर बोलता है 15 करोड़ है तो 5 करोड़ का शो कॉस्ट दे देंगे। अगर असेसमेंट यूनिट ने ही वेरिएशंस प्रपोज की 5 करोड़ की तो दो तरीके हैं, या तो नाफाक असेसी को शो कॉस्ट दे देगी 5 करोड़ का, या फिर रिव्यू यूनिट को रेफर कर देगी। रिव्यू यूनिट अगर 15 करोड़ ही बताता है तो नाफाक अपना ऑर्डर पास कर देगी 15 करोड़ का, सॉरी नाफाक असेसी को शो कॉज इशू करेगी। तो जब भी कुछ भी एडिशन होगी शो कॉज देना मस्ट है। और अगर नया यूनिट कहता है इनकम 10 करोड़ है तो नाफाक अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगी। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, तो जब भी इनकम इंक्रीज होगी तो शो कॉज देना मस्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इन पॉइंट 6 अबव पेज 80, इन ऑल द 3 केसेस वेयर नाफाक हैज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट टू द असेसी, या तो असेसी रिस्पॉन्स फाइल करेगा या नहीं फाइल करेगा। अगर असेसी अपना रिस्पॉन्स फाइल कर देता है विद इन द टाइम गिवन और द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड तो नाफाक क्या करेगी, रिस्पॉन्स जो है असेसमेंट यूनिट को भेजेगी, ये रिस्पॉन्स आया है। असेसमेंट यूनिट आफ्टर कंसल्टिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द असेसी शैल मेक द रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड सेंड इट टू नाफाक। अगर वेरिएशंस की गई हैं द रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो असेसी के अगेंस्ट हैं इन कंपैरिजन टू द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ऑफ द ड्राफ्ट फाइनल ऑर्डर, तो नाफाक अब असेसी को सुनने का मौका देगी। ठीक है, और नाफाक फॉरवर्ड करेगी, सॉरी असेसी को सुनने का मौका देगी। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। इसी पेज पे कंप्लीट करते हैं। अब असेसी को सुनने का मौका दिया गया, असेसी रिप्लाई कर देता है। सो मान लेते हैं रिटर्न इनकम 10 करोड़ थी, एडिशंस 5 करोड़ के प्रपोज हो रहे हैं।
नाफाक असेसी को सुनने का मौका देगी और जो असेसी से रिस्पॉन्स आएगा उसे भेजेगी टू द असेसमेंट यूनिट। असेसमेंट यूनिट आफ्टर कंसल्टिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द असेसी शैल मेक अ रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड सेंड इट टू नाफाक। असेसी को सुनने के बाद मतलब असेसी का रिस्पॉन्स नाफाक को आएगा, नाफाक असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड करेगी, असेसमेंट यूनिट अपना रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा और रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा नाफाक को। अगर अब रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर में इनकम सपोज 6 करोड़ बढ़ा दी जाती है, ए वेरिएशंस मेड इन द रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आर प्रेजुडिशियल टू द असेसी इन कंपैरिजन टू द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर और द ड्राफ्ट फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, अब असेसी को फिर सुनने का मौका देंगे कि हम 1 करोड़ और क्या ऐड करें। और नाफाक जो है फॉरवर्ड करेगी रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर टू द एलिजिबल असेसी रेफर्ड इन, अगर डीआरपी का केस है तो अभी ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो इससे पहला पेज क्लियर है, पॉइंट 6 जो हमारा था असेसी को सुनने का मौका दिया गया, असेसी को सुनने का मौका दिया गया। असेसी ने अपना रिस्पॉन्स भेज दिया, रिस्पॉन्स नाफाक फॉरवर्ड करेगी असेसमेंट यूनिट को, असेसमेंट यूनिट अपना रिवाइज्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा। सपोज बनाता है 16 करोड़ यानी कि 1 करोड़ और बढ़ा देता है या 14 करोड़। अगर वेरिएशन जो की जा रही है रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर में वो असेसी के प्रोजुडिशियल हैं इन कंपैरिजन टू द ड्राफ्ट इनिशियल ऑर्डर, अब असेसी को फिर से सुनने का मौका देंगे, असेसी को फिर से सुनने का मौका देंगे और फिर ये चार्ट इस तरह शुरू हो जाएगा। असेसी का रिस्पॉन्स आएगा, फिर से भेजेंगे अब असेसमेंट यूनिट को, असेसमेंट यूनिट फिर से रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा और अब 6 करोड़ ही रख रहा है, अब नाफाक अपना ऑर्डर पास कर देगी 16 करोड़ पर। फिर से रिपीट कर देता हूं, इससे पहले पेज हमने पढ़ा था असेसी को सुनने का मौका दिया जाएगा, अगर इनकम 15 करोड़ पर कहती है नई यूनिट तो असेसी को सुनने का मौका देते हैं, रिव्यू यूनिट कहती है 15 करोड़, सुनने का मौका देंगे, रिव्यू यूनिट कहती है 10 करोड़, नए यूनिट को रेफर किया जाएगा, नए यूनिट कहते 10 करोड़ ऑर्डर पास कर देंगे, 15 करोड़ सुनने का मौका देंगे। अब सुनने का मौका दिया गया, पेज 80 असेसी रिस्पॉन्स फाइल कर देता है, नाफाक इस रिस्पॉन्स को भेजेगी असेसमेंट यूनिट को, असेसमेंट यूनिट अपना अब रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा, असेसी को सुनने के बाद रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा और अगर रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में वो इनकम और बढ़ा देता है तो फिर असेसी को दोबारा सुनने का मौका देंगे और फिर से ये साइकिल शुरू होगी,
एसएससी का रिस्पांस आएगा, रिस्पांस के बेसिस पर अब फिर से एक नया रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया जाएगा। अगर वो बनाया जा रहा है 16 करोड़ पर ही, ठीक है, तो अब नफाक अपना ऑर्डर पास कर दी 16 करोड़ पर। और अगर एसएससी को सुनने के बाद 4 करोड़ था, वेरिएशंस मेड इन द रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द एसएससी इन कंपैरिजन टू द ड्राफ्ट ऑर्डर, तो एसएससी अगर एलिजिबल एसएससी नहीं है 144C वाला, नाफाक फाइनलाइज कर देगी असेसमेंट एज पर द रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड सर्व अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द एसएससी। सो 0.6 में 5 करोड़ पे शो कॉज दिया गया, एसएससी का रिस्पांस आया, रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बना सपोज 16 करोड़ पर या 14 करोड़। अगर 14 करोड़ पे बना है, फिर अगर एलिजिबल असेसी नहीं है, डीआरपी वाले नहीं है आप, नाफाक 14 करोड़ पर आपकी असेसमेंट फाइनल कर देगी। और अगर रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर 16 पे बना है, तो फिर से सुनने का मौका देंगे, फिर से रिस्पांस आएगा, रिस्पांस के बाद 16 करोड़ इनकम निकाली गई, अब नाफाक आपकी इनकम 16 करोड़ असेस कर दे, क्लियर। और अगर आप एलिजिबल असेसी हैं 144C डीआरपी वाले, तो नाफाक रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर डीआरपी को फॉरवर्ड करेगी। अगर असेसी रिस्पांस नहीं फाइल करता, अगर आप असेसी एलिजिबल वाले हैं 144C वाले, ड्राफ्ट ऑर्डर हैज टू बी प्रिपेयर्ड सो असेसी कैन फाइल ऑब्जेक्शंस टू डीआरपी। नाफाक जो है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेज देगी असेसी को, और असेसी अब डीआरपी को ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है। अगर एलिजिबल असेसी नहीं है आप डीआरपी वाले, तो नाफाक जो 15 करोड़ इनकम निकाली थी उस पर फाइनल ऑर्डर पास कर देगी और अपनी असेसमेंट कंक्लूड कर देगी 15 करोड़ पर। एक बार फिर से सारा रिवाइज कर लेंगे एंड में। अगर आप एलिजिबल असेसी हैं 144C वाले, फॉरेन कंपनी, नॉन रेजिडेंट, टीपी एडिशंस, तो ड्राफ्ट ऑर्डर मिलने पर, फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर मिलने पर, रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर मिलने पर आप ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे डीआरपी में, या फिर एक्सेप्ट कर सकते वेरिएशंस, या ऑब्जेक्शंस नहीं फाइल करते आप। अगर ऑब्जेक्शंस नहीं फाइल करते या वेरिएशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, नाफाक अपना फाइनल ऑर्डर इशू कर देगी विद पेनल्टी नोटिस एंड डिमांड नोटिस। डीआरपी को ऑब्जेक्शंस चले गए, नाफाक टू फॉरवर्ड द डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी टू द असेसमेंट यूनिट, असेसमेंट यूनिट अपना ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी, और अब असेसमेंट यूनिट अपना फाइनल ऑर्डर पास करेगी, फॉरवर्ड करेगी नाफाक को, और नाफाक अपना ऑर्डर पास कर देगी एज पर द डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी। इस एग्जांपल से करते हैं, रिटर्न इनकम 10 करोड़, असेसमेंट यूनिट ने 10 करोड़ ही इनकम असेस की ड्राफ्ट ऑर्डर में, नाफाक फाइनल ऑर्डर 10 करोड़ पास कर देगी विद पेनल्टी फैनी इंटरेस्ट वगैरह डिमांड नोटिस, या फिर नाफाक इसको फॉरवर्ड कर देगी रिव्यू यूनिट को। अगर रिव्यू यूनिट भी 10 करोड़ इनकम निकालता है,
तो नफाक अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगी 10 करोड़ पर, यहां डीआरपी की जरूरत है ही नहीं, इनकम चेंज ही नहीं हो रही। अगर रेवेन्यू यूनिट कहता है 15 करोड़ है, तो नफाक इस केस को रेफर करेगी दूसरे असेसमेंट यूनिट को। अगर दूसरा असेसमेंट यूनिट कहता है 10 करोड़ ही है, फिर तो नफाक 10 करोड़ पर फाइनल ऑर्डर पास कर देगी। और अगर दूसरा यूनिट कहता है 15 करोड़ है, तो अब असेसी को शो कॉज दिया जाएगा, लेट्स टेक इट 15 करोड़, असेसी को शो कॉज देंगे। अच्छा, अब 0.7 लग जाएगा, असेसी शो कॉज का रिप्लाई देगा। अगर सेटिस्फैक्टरी है तो इनकम डिलीट करके असेसमेंट यूनिट इनकम 10 करोड़ निकाल देगा और नफाक 10 करोड़ असेस कर देगी। बट अगर रिस्पांस मिला असेसी के बाद, उसके बाद इनकम 16 करोड़ कर दी जाती है बाय द असेसमेंट यूनिट, तो फिर से असेसी को सुनने का मौका देंगे। असेसी का रिस्पांस आएगा, उस पर फिर ड्राफ्ट ऑर्डर बनेगा और उस बेसिस पर अब नफाक अपना फाइनल ऑर्डर पास करेगी। तो देखिए यहां पर इसको भी देखते हैं। शो कॉज का रिप्लाई आया, असेसमेंट यूनिट रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा। सपोज वो बनाता है, दस करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़, यहां तो नफाक अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगी, यहां भी नफाक फाइनल ऑर्डर पास कर देगी और यहां असेसी को फिर से शो कॉज देंगे, असेसी को फिर से शो कॉज देंगे। और शो कॉज के बाद भी अगर इनकम रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर में 16 ही निकलती है, तो अब नफाक 16 करोड़ पर इनकम असेस कर देगी। सो पॉइंट पेज 79 0.6, असेसमेंट यूनिट, बार बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये एग्जाम में आएगा, अपना ड्राफ्ट ऑर्डर बना देगा। अगर ड्राफ्ट ऑर्डर रिटर्न इनकम के बराबर ही है, दो ऑप्शन, नफाक अपना फाइनल ऑर्डर 10 करोड़ पे पास कर देगी या फिर रिव्यू यूनिट को रेफर कर देगी। रिव्यू यूनिट कहता है जी 10 करोड़ ही है, फिर तो नफाक अपना फाइनल ऑर्डर 10 करोड़ पे पास कर देगी। अगर रिव्यू यूनिट कहता है जी इनकम 10 नहीं 15 है, अब ये केस दूसरे असेसमेंट यूनिट को दिया जाएगा और दूसरा असेसमेंट यूनिट अगर कहता है 10 करोड़ ही है, फिर तो नफाक अपना ऑर्डर पास कर देगी। अगर दूसरा असेसमेंट यूनिट कहता है 15 करोड़ है, तो अब असेसी को शो कॉज देंगे 5 करोड़ रुपए का। क्लियर है? अगर असेसमेंट यूनिट कहता है इनकम 15 करोड़ है, आप असेसी को सीधा शो कॉज दे सकते हैं या फिर रिव्यू यूनिट को रेफर कर सकते हैं। अगर रिव्यू यूनिट कहता है जी इनकम 15 करोड़ ही है, तो नफाक आपको शो कॉज देगी कि हम 5 करोड़ क्यों ना ऐड करें। रिव्यू यूनिट कहता है नहीं इनकम 10 करोड़ है,
तो दूसरे असेसमेंट यूनिट को भेज जाएगा, और दूसरा असेसमेंट यूनिट अगर कहता है इनकम 10 करोड़ है तो नफा का अपना ऑर्डर पास कर देगी, अगर दूसरा असेसमेंट यूनिट कहता है इनकम 15 करोड़ है असेसी को शो कॉज देंगे 5 करोड़ रुपए। क्लियर है? तो जब भी एडिशंस होंगे शो कॉज देना मस्ट। आई होप आई कैन नॉट बी मोर क्लियर देन दिस पॉइंट। सब ऊपर वाले तीन केसेस जहां 5 करोड़ की एडिशन हो रही है असेसी को सुनने का मौका दिया जाएगा, असेसी का रिस्पांस आएगा, रिस्पांस फॉरवर्ड कर देंगे असेसमेंट यूनिट को, असेसमेंट यूनिट उस रिस्पांस के बेसिस पर अपना रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगी, और रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर में इनकम अगर 5 या 6 कर देती है अब फिर से असेसी को सुनने का मौका देंगे, और इनकम अगर 5 या 4 कर देती है फिर नाफाक अपना ऑर्डर पास कर देगी 14 करोड़ का, पेनल्टी वगैरह इनिशिएट कर देगी, प्रोवाइडेड ये केस डीआरपी वाला नहीं है। अगर डीआरपी वाला है तो अब ये केस ड्राफ्ट ऑर्डर असेसी को भेज दिया जाएगा कि आप ऑब्जेक्शन फाइल करिए डीआरपी के पास। सो ऊपर सारे वाले केसेस में जहां 5 करोड़ का शोकॉज दिया गया, असेसी का रिप्लाई आ गया, रिप्लाई भेजा जाएगा, नाफाक भेजेगा असेसमेंट यूनिट को, असेसमेंट यूनिट अपना रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा, रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर अगर 15 करोड़ का ही है, अगर मतलब 16 करोड़ का और बढ़ा देता है, फिर से असेसी को सुनने का मौका देंगे, और फिर से दोबारा से रिवाइज ऑर्डर बनाया जाएगा। रिवाइज ऑर्डर अगर 16 का है 6 ही एडोरे हैं, अब नफाक अपना ऑर्डर फाइनलाइज कर देगी। अगर रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर 4 करोड़ का बन रहा है, 4 करोड़ की एडिशन हो रही है, तो सुनने के बाद हमने 5 की 4 कर दी, अब नफाक अपना ऑर्डर पास कर देगी। बट अगर आप एलिजिबल असेसी हैं तो नाफाक अपना ऑर्डर नहीं पास करेगी फाइनल, रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर असेसी को भेजेगी कि आप चाहें तो डीआरपी को ऑब्जेक्शन फाइल कर लीजिए। अगर असेसी एलिजिबल असेसी नहीं है नाफाक अपना ऑर्डर पास कर देगी। अब आप एलिजिबल असेसी हैं तो नाफाक अपना ऑर्डर नहीं पास कर सकती, ड्राफ्ट ऑर्डर आपको भेज देगी। आपको विद इन 30 डेज ऑब्जेक्शन फाइल करने होते हैं, आप ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं, या फिर वेरिएशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ जवाब नहीं देते। अगर वेरिएशन एक्सेप्ट कर ली या फिर जवाब नहीं दिया तो नाफाक जो आपका ड्राफ्ट ऑर्डर है उसी को फाइनल ऑर्डर बना देगी, और अगर आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए डीआरपी के पास, एक कॉपी जाएगी नाफाक को, नाफाक को फॉरवर्ड डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी। अब डीआरपी की डायरेक्शंस आएंगी नाफाक के पास, बिकॉज नाफाक ही ईओ माना जाएगा। नाफाक इन डायरेक्शंस को भेज देगा असेसमेंट यूनिट को, असेसमेंट यूनिट अब अपना ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा एज पर डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी। डीआरपी डायरेक्शंस बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट पर, नाफाक अपना ऑर्डर पास करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी। तो देखिए असेसमेंट यूनिट कहीं भी फाइनल ऑर्डर नहीं पास कर सकता, असेसमेंट यूनिट कहीं भी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर नहीं पास कर सकता, इट इज द नाफाक विच पासेस द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। आपकी क्वेरीज में टेकअप करता हूं, अभी क्वेरीज टेकअप करता हूं। पॉइंट 9, नाफाक कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट के बाद सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ट्रांसफर कर देगी ईओ को जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है असेसी। पॉइंट 1 हम कर चुके हैं। पॉइंट 2, जितनी भी कम्युनिकेशंस हैं
among the assessment unit, review unit, verification unit, technical unit, or with the assessor or any other person, with respect to the information, documents, evidence, or any other detail as may be necessary for the purpose of making faceless assessment, shall be through National Faceless Assessment Center. तो यूनिट्स आपस में बात करना चाहते हैं, दे विल डू इट ओनली थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर. असेसी किसी यूनिट से बात करना चाहता है, इट हैज टू बी ओनली थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर. और ये बातें सारी इलेक्ट्रॉनिक मेल से होती है. ऑल कम्युनिकेशंस बिटवीन द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एंड द असेसी और हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सीए or any other person shall be exchanged exclusively by electronic mode. And all internal communications between the National Faceless Assessment Center, Regional Faceless Assessment Center, and various units will also be exchanged exclusively by electronic mode. Aaj आपका इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड अकाउंट होता है, वहां पर ये सारे नोटिसेस वगैरह आते हैं. नाफाक से जो भी आपको डिटेल आएगी आपके रजिस्टर्ड अकाउंट में आएगी, और जो आप नाफाक को रिप्लाई देंगे थ्रू योर रजिस्टर्ड अकाउंट ही देंगे. ऑल नोटिसेस, ऑर्डर्स, कम्युनिकेशंस टू बी सेंड टू द असेसी इलेक्ट्रॉनिकली विल बी टू द असेसी रजिस्टर्ड अकाउंट. असेसी भी कम्युनिकेट करेगा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को थ्रू हिज रजिस्टर्ड अकाउंट. तो अब कोई भी इंफॉर्मेशन मिस होने का चांसेस नहीं है. असेसी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपियर पर्सनली और थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव इन कनेक्शन विद एनी प्रोसीडिंग बिफोर नाफाक, रीजनल सेंटर, टेक्निकल यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, असेसमेंट यूनिट और रिव्यू यूनिट. सो असेसी को कहीं भी अपियर करने के लिए नहीं बोला जाएगा. पॉइंट सेवन इंपॉर्टेंट है. वेयर वेरिएशन इज प्रपोज्ड इन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, revised draft assessment order, and the assessee is provided an opportunity being heard, assessee, uska authorized representative, can request for personal hearing to make oral submissions or present his case before income tax authority in any unit. Assessee uska CA keh sakta hai ki show cause notice jo aaya hai, main personally appear karke answer karna chahta hu. ब्राइब करेंगे, करने नहीं देंगे. द चीफ कमिश्नर डायरेक्टर जनरल इन चार्ज ऑफ रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर अंडर विच द कंसर्न यूनिट इज सेटअप मे अप्रूव फॉर पर्सनल मीटिंग. ये पर्सनल मीटिंग अप्रूव करेगा चीफ कमिश्नर डायरेक्टर जनरल इन चार्ज ऑफ रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर जहां वो यूनिट लोकेटेड है. But such personal hearing will be conducted only through video conferencing or video telephony. और ये पूरी recording होती है. आप bribe देने की कोशिश करेंगे video recording में, उठा के ले जाएगी आपको criminal law में. So any examination, point 8, or recording of statement of the assessee or any person shall be conducted by the income tax authority in a unit only through video conferencing or video telephony. अगर आपको किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, जैसे लोन दिया, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट ओनली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इनके जबरदस्त पहरा होता है, मतलब विजिलेंस होती है. और अगर आप बस वीडियो टेलीफोनी का, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तरीका नहीं है,
CBDT to establish facilities for video conferencing, video telephony at various locations so that a SEZI who does not have video conferencing or video telephony facility can use them. So CBDT हर सिटी में सेंटर्स बनाएगी जहां पर अगर आपके पास वीडियो टेलीफोनी नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है, वहां जाके आप यूज कर सकते हैं. और आज तो ये पॉसिबल है ही नहीं, आपके मोबाइल फोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. टेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन चार्ज ऑफ नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर may at any stage of the proceeding assessment, if considered necessary, transfer the case to the AO having jurisdiction over such case with the prior approval of the board. So agar inko lagta hai ki assessment through email nahi ho sakti hai, to principal chief commissioner, principal director general जो इंचार्ज है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर का, वो ट्रांसफर कर सकता है केस टू द एओ हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द एसएससी. बट उसके लिए आपको चाहिए प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एक्सेप्ट इन सिचुएशन इन पॉइंट 10 अबव. Any assessment made under 143 or 144 on or after 1421, which is not made in faceless assessment manner as provided in 144B, shall be void ab initio. So, is par jo possible questions hai, maine key takeaways स्कीम से ही निकाले. पेज 81, जो असेसमेंट यूनिट्स होते हैं, वेरिफिकेशन यूनिट्स होते हैं, टेक्निकल यूनिट्स होते हैं, रिव्यू यूनिट्स होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, उसमें एडिशनल कमिश्नर्स होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं, जॉइंट कमिश्नर होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, आईटीओ एंड अदर क्लरिकल स्टाफ. जितनी भी कम्युनिकेशंस होंगी असेसमेंट यूनिट, रिव्यू यूनिट, टेक्निकल यूनिट, असेसमेंट यूनिट एंड नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, मैनुअली कोई नहीं होंगी, इल बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल. There will be no correspondence between the regional faceless assessment center और उनके जो चार units हैं and the SSC के साथ communication कर सकता है only national faceless assessment center and that too through email. जितनी भी correspondence होंगी NAFAC to SSC, there will be through the assessee's registered account on the website of Income Tax Department. इसी तरह assessee भी जो communication करेगा NAFAC से, National Faceless Assessment Center से, वो करेगा exclusively through his registered account. Assessee को personally appear करने के लिए नहीं कहा जाएगा किसी भी तरह से. और अगर असेसी को शो कॉज नोटिस आता है, वेरिएशंस प्रपोज की जा रही है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में, फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में, रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में, और असेसी कहता है मैं पर्सनल हियरिंग चाहता हूं, उसका सीए कहता है मैं पर्सनल हियरिंग चाहता हूं, पॉसिबल है तीन कंडीशन. पहली, ये हियरिंग होगी ओनली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. दूसरी बात, चीफ कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल उस रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर का परमिशन देगा, अप्रूवल देगा इन राइटिंग. अगर किसी भी पर्सन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है,
they will be through video conferencing only. पॉइंट 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कि क्या केस आपका मैनुअल असेसमेंट में जा सकता है? जा सकता है, बट उसके लिए अप्रूवल देंगे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, इंचार्ज ऑफ द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, उनकी अप्रूवल चाहिए. वो ट्रांसफर कर सकते केस फॉर मैनुअल असेसमेंट, बट दिस विल बी विद द प्रायर परमिशन ऑफ द सीबीडीटी. पॉइंट 11 143.3.3, 144 की असेसमेंट अगर फेसलेस नहीं हुई आपकी, आपने एओ से मिलकर करवा ली, इट्स वॉइड बिनिशियो. असेसमेंट्स हैव टू बी फेसलेस. जो मैंने एग्जांपल्स ही थे उनको ही कैरी कर लेता हूं. मेरी रिटर्न इनकम है 10 करोड़. असेसमेंट यूनिट ने 10 करोड़ इनकम ड्राफ्ट ऑर्डर में बनाई. नफा कहता है जी ठीक है, हमारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है. तो नाफाक फाइनल ऑर्डर पास कर देगा 10 करोड़ पर, और आपको अगर कोई डिमांड नोटिस है, टैक्स अनपेड था आपका या रिफंड है, वो दे देगा. कोई पेनल्टी है वो इनिशिएट कर दी जाएगी. नाफाक ये भी कह सकता है कि हो सकता है इस असेसमेंट यूनिट ने कोई गलती कर दी हो, इसलिए नाफाक, ये कौन सा केस है कि जो असेसमेंट यूनिट ने इनकम निकाली है दैट इज इक्वल टू रिटर्न इनकम. नाफाक रिव्यू यूनिट को भेज सकता है. अगर रिव्यू यूनिट भी कहता 10 करोड़ है, मैटर एंड्स नाउ. अब नाफाक फाइनल ऑर्डर पास कर देगा 10 करोड़ रुपए का. अगर रिव्यू यूनिट कहता जी नहीं, इनकम 15 करोड़ होनी चाहिए, तो असेसमेंट यूनिट रिव्यू यूनिट दो अलग अलग बातें कह रहे हैं. अब एक थर्ड न्यू असेसमेंट यूनिट विच मे बी इन एनी अदर रीजनल असेसमेंट सेंटर, उसको केस रेफर कर दिया जाए. अगर वो कहता है 10 करोड़, फिर तो दो लोग कह रहे हैं, एक तो मेरा ओरिजिनल असेसमेंट यूनिट, एक न्यू असेसमेंट यूनिट. फिर तो नाफाक 10 करोड़ पे इनकम असेस कर देगा, फाइनल ऑर्डर पास कर देगा. बट अगर न्यू असेसमेंट यूनिट कहता है 15 करोड़, असेसी को शो कॉस्टिंग. अब इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं. शो कॉस्ट का रिप्लाई आया, नाफाक के पास आएगा, नाफाक भेज देगा असेसमेंट यूनिट को, और असेसमेंट यूनिट अगर कह रहे 15, 16, 10, अगर ये कह रहा है, ये कह रहा है, फिर तो फाइनल ऑर्डर पास कर. तो शो कॉज का रिप्लाई दिया आपने, असेस नफाक को देंगे, नफाक फॉरवर्ड करेगा असेसमेंट यूनिट को. असेसमेंट यूनिट कहता जी सही है रिप्लाई आपका, 10 करोड़ इनकम है. अब नफाक अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगा 10 करोड़ का. अगर 15 करोड़ है, फाइनल ऑर्डर पास कर देगा. अगर 16 करोड़ कहता है अब असेसमेंट यूनिट इन द रिवाइज्ड ड्राफ्ट ऑर्डर, फिर से एसएससी को शो कॉज देंगे. सुनने के बाद अगर 16 है या 15 है, नाफाक अपना ऑर्डर पास कर देगा, 16-15 पे इनकम असेस कर देगा.
ठीक है, और अगर ये केस डीआरपी वाला है, एलिजिबल से डीआरपी वाला है, फिर जो फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा असेसमेंट यूनिट नाफाक, उसे भेज देगा असेसी को, ताकि असेसी अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सके। ऑब्जेक्शंस फाइल कर देगा, डीआरपी डायरेक्शंस आएंगी, उन डीआरपी के डायरेक्शंस को नाफाक भेज देगा असेसमेंट यूनिट को कि अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर दीजिए एज पर डीआरपी डायरेक्शंस, और फिर नाफाक अपना ऑर्डर पास कर देगा फाइनल ऑन द बेसिस ऑफ डीआरपी डायरेक्शंस। रिटर्न इनकम 10 करोड़, असेसमेंट यूनिट इनकम निकाली 15 करोड़। दो तरीके हैं, या तो असेसी को शो कॉज दे देंगे या फिर रिव्यू यूनिट को भेज देंगे। रिव्यू यूनिट शो कॉज कब देंगे, जब बड़ा क्लियर है कि एडिशन होनी चाहिए। रिव्यू यूनिट जहां डाउट है, रिव्यू यूनिट कहता है 15 करोड़, फिर तो असेसमेंट यूनिट रिव्यू यूनिट कंकर कर रहे हैं, असेसी को शो कॉज दे देंगे, बताइए क्यों एडिशन करें। रिव्यू यूनिट कहता है 10 करोड़, फिर दूसरे असेसमेंट यूनिट को रेफर करेंगे, दूसरा असेसमेंट यूनिट भी अगर 10 करोड़ कह रहा है, फिर तो नाफाक अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। अगर नया यूनिट कहता है 15 करोड़, अब असेसी को शो कॉज दे देंगे। शो कॉज का रिप्लाई आया, नाफाक के पास आएगा, वो फॉरवर्ड कर देगा असेसमेंट यूनिट को। अगर असेसमेंट यूनिट सुनने के बाद भी 15 निकालता है, अब फाइनल ऑर्डर पास कर देगी नाफाक। अगर इनकम बढ़ा देता है, फिर से शो कॉज देंगे असेसमेंट को, और बढ़ा रहे बताइए क्यों ना करें, और सुनने के बाद रिवाइज्ड आफ्टर असेसमेंट ऑर्डर बनेगा, और फिर नाफाक अपना फाइनल ऑर्डर बना देंगे। अगर ये करते थे 10 ऑर्डर पास कर देंगे फाइनल। So, लोग कहते हैं कि आज भी हम लोग असेसमेंट यूनिट को कांटेक्ट कर लेंगे, उसे ब्राइब कर देंगे, करके देख लीजिए। अगर सपोज असेसमेंट यूनिट को आपने कांटेक्ट कर भी लिया, ब्राइब कर भी दी, इनकम 10 करोड़ थी, 10 करोड़ असेस करा ली, जो नेशनल असेसमेंट फेसलेस असेसमेंट सेंटर है, हो सकता है रिव्यू यूनिट के पास भेज दे। अब आप कहेंगे मैं रिव्यू यूनिट को भी खरीदूंगा, इतना आसान नहीं होता। ये सारे यूनिट्स अलग अलग रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर्स में बेस्ड है। सो बेसिकली लास्ट एग्जाम में भी इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, एंड आई थिंक गुड चांसेस जो मैंने आपको कराया है उतना ही काफी आपके लिए, उस पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज कुछ फर्दर नहीं करेंगे, ज्यादा हैवी हो जाएगा आपके लिए। एक छोटा सा कंसेप्ट करा देता हूं जो मैंने छोड़ दिया था, बट इंपॉर्टेंट है बहुत वो, आज चैप्टर 2 में है। पेज 48, चैप्टर 2। मुझे पता नहीं आपने देखा या नहीं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आते हैं, एक डिपार्टमेंट का स्टैंप लगाकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप लगाकर एक नोटिस बना के ले आते हैं। अब ये नोटिस असली है या नकली है कैसे पता चले? ये इंस्पेक्टर तो आपको डराने आता है, आपके ऊपर लेटर ले आता है कि आपका डिमांड है इतनी। सो इंस्पेक्टर्स वगैरह क्या करते थे, डिपार्टमेंट के लेटर हेड्स को मिसयूज करते थे, उल्टे सीधे लेटर टॉप
छापकर डिपार्टमेंट की सील लगाकर एसएससी के घर पहुंच जाते थे, ऑफिस पहुंच जाते थे, उसे डराते थे, पैसा एक्सट्रैक्ट करके ले आते थे। अब एसएससी को कैसे पता चले जेन्युइन है नॉन जेन्युइन है? इसी तरह एसएससी भी गड़बड़ करता था, कुछ रिप्लाई बैकडेट में लगवा देता था। ये सब न्यूसेंस को हैंडल करने के लिए इन्होंने कंसेप्ट निकाला डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। विद द लॉन्च ऑफ वेरियस ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स टोटल कंप्यूटराइजेशन ऑफ इट्स वर्क। और वाकई में इन्होंने कंप्यूटराइज कर लिया है। प्रेजेंटली ऑलमोस्ट ऑल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स आर बीइंग जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। हाउएवर देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस इन विच नोटिस ऑर्डर समन्स लेटर्स और एंड कॉरेस्पॉन्डेंस हेयर एंड आफ्टर रेफरेंस कम्युनिकेशन वर फाउंड टू हैव बीन इशूड मैनुअली विदाउट मेंटेनिंग अ प्रॉपर ऑडिट ट्रेल ऑफ सच कम्युनिकेशन। सो ये साफ सुथरे वर्ड्स में नहीं बोल रहे, डिसेंट वर्ड्स में बोल रहे हैं कि हमारे इंस्पेक्टर्स ने इस तरह के ऑर्डर्स बना लिए, नोटिसेस बना लिए, लेटर्स बना लिए एसएससी को डराने के लिए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच इंस्टेंसेस एंड टू मेंटेन प्रॉपर ऑडिट ट्रेल ऑफ ऑल कम्युनिकेशंस द बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो कम्युनिकेशन शैल बी इशूड बाय एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी रिलेटिंग टू असेसमेंट अपील्स ऑर्डर्स स्टैट्यूटरी और अदरवाइज exemptions, inquiry, investigation, verification of information, penalty, prosecution, rectification, approval, etc. to the assessee or any other person on or after 1st October 19 unless a computer generated document identification number has been allotted and is duly quoted in such communication. और आज जो आपको नंबर होता है ये वाला डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे डालिए, आपको उसका वो आ जाएगा कि इसका डॉक्यूमेंट कौन से वाला है कॉरेस्पॉन्डिंग। सो डिन अब हर लेटर नोटिस ऑर्डर इंक्वायरी किसी भी तरह का लेटर डिपार्टमेंट से आएगा उस पर डिन लिखा मेंशन्ड होगा। और आप वेबसाइट से डिपार्टमेंट की वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये डिन वाला लेटर इशू हुआ है या नहीं। In exceptional circumstances, the communication may be issued manually, but only after recording in writing the reasons in the file and with prior approval of Chief Commissioner, Director General of Income Tax. So manually issue कर सकते हैं, but prior approval ले सकते लेनी पड़ेगी Chief Commissioner की, Director General की, and that too in exceptional cases. Any communication which is not in conformity with para 2 and para 3 above will be treated as invalid and shall be deemed never to have been issued. जो हमने लिखा कि एक्सेप्शनल केसेस में आप चीफ कमिश्नर डायरेक्टर जनरल की परमिशन लेके कर सकते हैं, उसमें भी इन्होंने कहा द कॉम्युनिकेशन इशूड मैनुअली एज इन पैरा 3 अबव shall have to be regularized within 15 working days of its issuance by uploading the manual communication on the system, compulsory generating the DIN on the system, communicating the DIN so generated to the assessee or any other person as per the prescribed performer. Further, in all pending assessment proceedings where notices were issued manually prior to the issuance of the circular, the income tax authorities shall identify such cases and upload the notices in these cases on systems by 31st October 19. ये relevant नहीं है। So, but आज जितना भी correspondent department से आता है उसमें DIN mandatory कर दिया गया। अगर DIN नहीं डालेंगे that correspondence, that notice is invalid. चलिए आज के लिए आपके लिए इतना काफी है। थोड़ा heavy हो गया आज का lecture, बट इंटरेस्टिंग लेक्चर था आज का मेरे हिसाब से, जहां आपने डीआरपी सीखा, जहां आपने फेसलेस असेसमेंट के बारे में सीखा। विल स्टॉप हियर।